Thank you.
ज्ञानांजन सलाया चक्षुर मिलित मुझे ना
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर भो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद सबकर हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के श्री इंद्र पूजा बंद करवा दिया। बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो क्योंकि इनका नाम है श्री सर्व अभिष्ट प्रदाता। ये हमारे सारे इच्छाओं को ये पूरी करने वाले श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण क्यों इंद्र पूजा बंद करवाया और गिरिराज पूजा क्यों प्रारंभ की इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने चार ही कारण बताया। कितना कारण बताया आज मैं बोलूँगा कल आपसे सुनूंगा ठीक है। देखो कौन कल कौन बोल पाता है। पहला शिक्षा दिया है हमारी बहु आराध्य नहीं होनी चाहिए। आज इसी देवता को पूजो कल उसी देवता को पूजो परसों दिन फिर उसी देवता को पूजो कहते नहीं। एकनिष्ठ होकर के हमें एकनिष्ठ होकर के
हमें केवल भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी कहते श्री गिरिराज की पूजा में केवल करनी चाहिए, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र और भगवान का अंदर में कद भगवान का अंदर दे दो कद भगवान के अंदर में ये अनंत करोड़ों जो विश्व ब्रह्मांड है कद ये भगवान के अंदर में ही ये सब के सब विद्यमान। जब हम भगवान कृष्ण इधर आ जब भगवान कृष्ण को हम पूजा करते हैं, जैसे एक वृक्ष को नीचे जड़ से पानी देने से ठीक ठाक इधर जैसे किसी वृक्ष का जड़ से पानी देने पर पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, जैसे पेट में आहार देने पर हमारे सारे इंद्रियां सबके सब काम करती हैं, कहते उसी तरह जब हम भगवान श्री बांके बिहारी जी की पूजा करते हैं विश्व ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए कृष्ण किसके पूजा बंद करवाए, बोले इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग के राजा, जितने सारे देवताओं का राजा कौन है, कहते ये इंद्र है। इसलिए उन्होंने श्री इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवा दिए करके उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा की। ये पहला कारण है, हमें बहु देवा देवी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें एकनिष्ठ होकर के एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए हैं। इसलिए दूसरा कारण था, इंद्र का मन में अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का इंद्र हूँ, मेरे आदेश पर बारी बरसती हैं, घास उगने पर गैया घास खाते हैं फिर दूध देते हैं, यही दूध ही ब्रजवासियों का प्राण है, अगर मैं बारिश से नहीं दूंगा तो ये ब्रजवासी सबके सब खत्म हो जाएंगे, ये इंद्र के मन में अभिमान था। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं, देखो जो ब्रजवासी मेरे प्राण धन है ये राधा रानी कौन है, मेरे से अभिन्न स्वरूप श्री राधा रानी, जिनकी कितना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, कहते स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे किया, जानता नहीं है हम श्री वृंदावन पासी है। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए ये राधा रानी है, ये साधारण नहीं, अगर नंद बाबा कहते लाला कन्हा मेरे खड़ाओं ले आओ, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके जाते हैं, खड़ाओं का अपना सिर पर रख करके नाचते 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 ले आते हैं, नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, लालो लाला कितने अच्छे हैं। मैंने कहा खड़ाओं लाओ, हाथों में नहीं सर पर रख करके लाया, मतलब लाला जब बड़ा होगा ना पिता माता का खूब सेवा करेगा। नंद बाबा बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते जी मैया जसोदा जिस कान्हा को उखल में बांध देती हैं, जो अनंत असीम जिसकी बाहर नहीं जिसकी भीतर नहीं, मैया उसको उखल में बांध देती हैं, और ब्रज में इतने शक्ति ब्रज रज में ऐसे कितने इंद्र चंद्र को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए इंद्र का अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उन्होंने इंद्र पूजा बंद करवाया। बोले पूजा करो तो किसकी पूजा करो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, बोले श्री गिरिराज महाराज की। सब कथा को नोट करनी चाहिए, इससे क्या होगा, नोट कर पच पच गए बोलते समय मुंह बंद हो जाता है। इसलिए कहते तीसरा कारण क्या है, कृष्ण सोच रहे हैं मैं अपना ब्रजवासियों को साथ में, क्योंकि ये अपना प्राणी ही मेरे ब्रजवासी, कहते जितने सब गोपियाँ ये कौन है, कहते ये राधा रानी की कायव्य है, कहते जितने सखाए कौन है, बोले ये बलदेव प्रभु कृष्ण का अभिन्न प्रकाश है, हैं। इसलिए कभी कभी कृष्ण को घोड़ा भी बना देते हैं ब्रजवासी, कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं इन लोगों को साथ में मैं चाहता हूँ, 7 दिन तक इनको साथ में
एकत्रित होकर के मैं आनंद लू, उत्सव हो। होगा कैसे? जब इंद्रबारी बरसाएगा, जब मैं गिरिराज धारण करूंगा, सारे ब्रजवासी ये गिरिराज की तलहटी में आश्रय ग्रहण करेंगी। और जिस राधा रानी से मिलने के लिए हमें बड़ा कष्ट होता है, और राधा रानी को मैं 7 दिन तक अपना आंखों को सामने इनकी दर्शन होएगा। इसलिए इंद्र ने, कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवाया। और जो सर्वश्रेष्ठ कारण है भगवान का, जो सर्वतम लीला श्री रासलीला। अभी कृष्ण चाह रहे हैं मैं अभी ये रासलीला करूं, लेकिन ये रासलीला कैसे होगा, मैं अकेले तो रास कर ही नहीं सकता हूं जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो। अभी ये ब्रज गोपियों को मैं कैसे अपना तरफ में आकर्षण करूं, हैं? इसलिए कृष्ण ने, उन्होंने कालियों के सर पर उन्होंने नृत्य किया। क्यों कालियों के सर पर नृत्य किए? बोले बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, जो गिलासिया के ऊपर नाचते होंगे, जो रस्सी के ऊपर कोई नाचे होंगे, कोई सर के ऊपर में कलसी रख करके नाचता होगा। लेकिन जितने सारे नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार हूँ। इसलिए कृष्ण, शंकर जी का एक नाम है नटराज, लेकिन कृष्ण का एक नाम है नटवर। नट मतलब होता है शंकर जी, वर मतलब होता है जो शंकर का भी जो पति है। बोले शंकर जी के पति कृष्ण, कृष्ण कैसे हुए? कल सुन रहे थे ना, जब कृष्ण रास लीला कर रहे थे, शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके आए। अब ये गोपियों का ईश्वर कौन है, पति कौन है? कृष्ण गोपियों का पति कृष्ण है। इसलिए कृष्ण राधा रानी का मन को, चित्त को आकर्षण करना चाह रहे थे। बोले देखो बड़े बड़े नृत्यकार तो देखे होंगे, लेकिन मेरे जैसे नृत्यकार कभी तुम देखे नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण जब कालियों के सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे, सारे देवता लोग आकाश से उतर करके आ गए, वाद्य यंत्र को लेकर के, और भगवान नृत्य कर रहे हैं, और सबके सब देवता बाजा बजा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन पर, माला रख दो हरि नाम, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पर, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पर, बिंग 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 बिनत करत, बिंग 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 बिनत करत ना वधुवाली, तांडव गति मुंडन पर ना चत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर ना चत गिरिधारी, सन 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 का दिक गन 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 गंधर्व गन, सन 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 का दिक गन गंधर्व गन, नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि साव दे तताली, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। इसलिए जिसको शंकर जी देख करके बोले प्रभु, पहले तो मेरे मन में अभिमान था, क्या मैं नटराज हूँ, लेकिन आज मेरे सारे अभिमान चकना शुरू हो गया, आज से आप हो गए नटवर हैं। इसलिए बोले बलि हरी, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए अभी कृष्ण ये एक लीला करके उन्होंने क्या किया, गोपियों के मन को उन्होंने आकर्षण किया। जब कृष्ण ये कालिया के सर पर कृष्ण नृत्य कर रहे थे, जो कालिया की जो पत्नियां थी वो बड़ी कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण भक्त थे, लेकिन ये कालियों के मन में बड़ा अभिमान था।
उनकी पत्नियां कालियों को तो समझाया करते थे, देखो ये कृष्ण भगवान है, इनको साथ में बैर मत ठानियो। लेकिन कालिया कहते देख कहाँ गैया को पीछे पीछे डोलता रहता है और घर घर में मक्खन चोरी करता, ये भगवान हो गया, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं भगवान हूँ। लेकिन वो नहीं सुनता था, इसलिए कृष्ण जब उसके सर पर नृत्य कर रहे थे, इतने में नाग पत्नी सोच रही थी मर जाए तो अच्छा ही। बोले क्यों? बोले एक तो भजन करता नहीं और हमें भी भजन करने नहीं देता, ऐसे पति से क्या मतलब है? मर जाएगा तो कम से कम ये जो जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना, हम कम से तो भक्ति कर सके, क्योंकि हर जीवन में तो एक एक पत्नी होने पर पति, पति होने पर पत्नी, कौन सा जीवन में नहीं मिला, हर जीवन में मिलता रहा। लेकिन ये जो मानव शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। इसी जीवन में ही हम भगवान की साधन करके भगवान को प्राप्त केवल इसी जीवन में ही कर सकते हैं। अगर इसी जीवन में संसार घर द्वार सब कुछ हुआ, लेकिन जो असली जो काम के लिए जो मानव शरीर मिला था, अगर प्रभु का भजन नहीं हुआ तो ये मानव जन्म का क्या लाभ है, बेकार है। इसलिए वो सोच रही थी मर जाए तो अच्छा है। लेकिन जब भगवान के सर पर नृत्य किया और ऐसे ठोकर मारे, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई, कालिए सोचा मेरी पत्नियां सही कह रही थी कि 6 साल का बालक मेरे सर के ऊपर खड़ा हुआ, ऐसे लगता है विश्व ब्रह्मांड जैसे मेरे सर के ऊपर आ गया, इतने भोजन, सचमुच ये भगवान है ये। इसलिए उसने मन मन में शरणागत हो गए, बोले प्रभु आप मेरे को प्राण दान दो, प्राण दान दो। अभी पत्नियां तो दूर से सोच रही थी ये मर जाए तो अच्छा, लेकिन जब देखा इसका मन बदल गया, अब इसकी मन प्रभु के चरण में आ गया। कहते जो पति भगवान का भक्ति करता है ऐसे पति रहनी चाहिए। बोले क्यों? कहते जो स्त्रियां हैं इनका एक नाम अबला, अबला मतलब जिसका अंदर बल नहीं, क्योंकि स्त्री कभी भी स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकती हैं, हर समय स्त्रियों को पति की आनुगत्य में ही रहनी चाहिए। और जो नाग पत्नियां थी ये बहुत ही सुंदरी देखने में थी। अगर कोई स्त्री बहुत ही सुंदर हो, अगर पति कम उम्र मर जाए तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति उसको ऊपर में बुरे नज़र से देखना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले उसका कोई आश्रय ही नहीं है। इसलिए ये देखने में बड़ी सुंदरी थी, अभी ये सोच रही है अगर पति मर जाएगा तो कोई आकर के फिर हमारे ऊपर अपना आधिपत्य को स्थापन नहीं करे, इसलिए पति रहेगा तो क्या होता है, फिर दूसरे व्यक्ति उसको ऊपर में बुरे नज़र से कोई नहीं देखते हैं, इसलिए पति होनी चाहिए। और इसे वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। इसलिए नाग पत्नियां कह रही हैं बोले इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसका फल स्वरूप आज भगवान स्वयं जिनके सर के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, कारण क्या है? बोले भगवान के चरण कैसे हैं? बोले ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोले जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिनके चरण कमल को वंदना करते हैं, ब्रह्मा भी ध्यान से जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, वायु रथा भी मनसा मन पुंगवानाम, बड़े बड़े ऋषि लोग भी बड़े बड़े ध्यान करके अपना वायु को बंद करके आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा भी जिनके चरण कमल को दर्शन नहीं कर पाते, आज वह दुर्लभ चरण आज किसको सर के ऊपर में, कहते हमारे श्री पति को चरण सर के ऊपर में है, जिस चरणों को लक्ष्मी पाने के लिए बड़े कठोर तपस्या कर रही है बैल वन में, उन लोगों ने अपना छोटे छोटे बच्चों को सामने ले आए। छोटे छोटे बच्चों को क्यों लाए? बोले छोटे बच्चों को देखने से भगवान की दया आएगा, देखो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनका पिता को मार डालोगे तो बच्चों को कौन लालन पालन करेगा, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सामने ले करके भगवान को स्तुति की। भगवान ने कहा नाग पत्नियों तुम्हारी पति को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि
तुम लोग मेरी भजन करते हो, लेकिन तुम्हारी पति के अंदर में जो अभिमान था वो अभिमान को मैं दूर कर रहा हूँ, इनको मैं मारूंगा नहीं। फिर उन्होंने यहाँ पर प्रश्न होता है, पहले कालिया ने ऐसे कौन सा पुण्य किया था जो कि भगवान जिसके सर के ऊपर में नृत्य किए। इनकी दो कथा आती हैं, एक कथा आती है एक समय दो साधु एक जगह में रहते थे, बड़े आपस में मित्रता थी। एक साधु ने कहा, देखो कुछ दिन मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ मेरी कुटिया को देखना। बोले कोई क्यों क्यों चिंता करता हो, तुम जा मैं इसको देख लूँगा। लेकिन जब उसने वापस आया ना, इसने क्या किया, वो कुटिया के ऊपर अपना आसन दखल कर लिया और जोर जबरदस्ती बैठ गया। जब उसने वापस आए, बोले भैया अपना कुटिया दो। बोले किस चीज़ की कुटिया, कुटिया तो मेरा है। अभी दोनों के अंदर बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होने पर जो साधु गया था यात्रा में, उसने अभिशाप दे दिया। बोले तेरे स्वभाव जैसे सर्प के स्वभाव जैसे, सर्प क्या करता है, चूहा बनाता है बीन, और सर्प आकर के बीन चूहा को भी खा लेता है और वो उसका बील को भी दखल कर लेता है। बोले तेरे स्वभाव जैसे सर्प जैसे मैं अभिशाप देता हूँ, तुम सर्प योनि में जाओ। जब उसने अभिशाप दिया, वो भी ऐसे साधु था, बोले तुम मेरे को सर्प बना दिया, तू कौआ जैसे का 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 कब से कर रहे हो, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तू कौआ बन जा। अभी दोनों को अभिशाप दे दिए, एक कौआ और एक सर्प। अभी क्या होगा, एक कौआ एक सर्प बन गया। अभी देखा हानि किसका, अपना था हानि हुआ ना, कौआ सर्प बन गए। बोले एक काम करियो, इसको परिवर्तन कर दो। बोले क्या है, उन्होंने उनको वरदान दिया, तू तो बनोगे सर्प, लेकिन एक दिन स्वयं बांके बिहारी तेरे सर के ऊपर नृत्य करेंगे और तुमको अपना सेवा में स्वीकार करेंगे। फिर दूसरे साधु ने वरदान दिया, तू तो कौआ बनोगे लेकिन तुम अक्षय बैठ के ऊपर में, नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठ करके तुम भगवान राम की तुम कथा सुनाओगे, सारा दुनिया तुम्हारी कथा सुनेंगे। इसलिए कौआ तो बने, लेकिन एक बन गया काकभूषुंडी और एक बन गया ये काल्य नाग, एक बन गया बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पर ठाकुर जी इनके सर पर नृत्य क्यों किया, इनकी दूसरी कथा आती है। कोई एक राजा रहते थे, इनके पेट में 24 घंटा दर्द रहता था। उन्होंने बहुत मेडिसिन सब कुछ कर लिया, जब सही नहीं हुआ, एक दिन एक संत ने कहा, देखो वहाँ पर तुम जाना, वो जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पर उसको ऊपर में एक संत रहते हैं, उनकी चरणामृत पीने पर तुम्हारी पेट का दर्द तुम्हारी सही हो जाएगा। जब बोले तो उन्होंने वहाँ पर हरे कृष्ण, हाँ वो संत ने कहा, देखो वहाँ पर एक कबूतर रोज वहाँ पर दाना चुगता है, वो कबूतर का जाल तुम फेंक करके वो कबूतर को पकड़ करके उसको खा लोगे ना, तुम्हारे पेट का दर्द सही हो जाएगा। अभी राजा जा करके रोज जाल बिछवाता है, लेकिन ये कबूतर तो पास में आता लेकिन जाल में फंसता नहीं। फिर आए, बोले तो फंस नहीं रहा है जाल में, बोले एक काम करियो, तुम संत का रूप धारण कर लो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। जब उन्हें संत का रूप धारण किया, वो तो कबूतर सीधा करके उसकी गोद में बैठ गया। बोले भैया पहले से मेरे को पता रहता तो पहले से मैं साधु का रूप धारण कर लेता। जब कबूतर को ले जा रहा था, इतने में राजा सोचा, बोले अभी तक तो ये कबूतर जाल में फंस नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने ये साधु का रूप धारण किया तब ये मेरे अपने आप गोद में आकर के बैठ गया। कारण क्या, बोले साधु को इतने विश्वास करते हैं, उनको पता है ये संत हैं, ये कभी जीव हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इसका अपव्यवहार कर रहा हूँ। राजा मन में दया आई, कबूतर को छोड़ दिया, भैया तू चल जा, भले ही ये कष्ट मुझको भोगना क्यों नहीं पड़े। जब छोड़ दिया ना, इतने में कबूतर बोलने लग गया, बोले महाराज मैं परीक्षा कर रहा था, आप परीक्षा में पास हो गए हो, एक काम करो, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष में एक संत रहते हैं, उनकी चरणामृत को आप पी लो, अपने आप आपके पेट का दर्द आपकी सही हो जाएगा।
जब उन्होंने गए चरणामृत लेने के लिए, बोले बाबा एक चरण बढ़ाओ, चरण बढ़ाया तो देखा उसमें पीक खून उसमें पड़ा हुआ, इतने बदबू मार रहा था, पास में खड़ा भी नहीं हो जाएगा। बोले चरणामृत कैसे लूँ? फिर सोचा हो सकता है इनकी दूसरा चरण अच्छा होगा। बोले बाबा कृपा करके दूसरा चरण बढ़ाओगे? जब दूसरा चरण बढ़ाया ना, उससे भी गया भी था, ऐसे बदबू मार रहा था, पास में खड़ा तक भी नहीं हुआ जाएगा। सोचा अभी क्या करे क्या करे, पेट में हर समय दर्द रहता है, किसी तरह से चरणामृत ले। एक हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ से पानी जब डाला ना, वो चरणामृत क्या करेगा? उसको पैर में जो कुष्ठ व्याधि था, उसमें जो कीड़े पड़े हुए थे, वो कीड़े और पी के हाथ में गिरा, इतने बदबू मार रहा था। उसने क्या किया, उसने ऐसे करके ना उसने फेंक दिया, फेंक करके वो हाथ का अपना सर के ऊपर में लगा दी। लेकिन जब उसने फेंका, उससे बड़ी सुंदर खुशबू निकलना शुरू किया। इतने में संत बिगड़ गया, बोले दुष्ट संतों का चरणामृत लेने के लिए आया है, मैं अभिशाप देता हूँ तेरे को, हैं अभिशाप देता हूँ, तू खाल सर्प जाति में तुम जाओगे, मैं परीक्षा कर रहा था। अभी रोने लग गई, बोले महाराज मेरी अपराध हो गया, माफ कर दो, उधार कैसे होगा? बोले ठीक है, तुम तो अनादर किया, लेकिन उसे हाथ को तुमने अपना सर पर भी लगाया है, इसलिए एक दिन तुम्हारी सर के ऊपर में ठाकुर जी नृत्य करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चरणामृत लेकर के अपना सर पर, हाथ को सर पर लगाते हैं। इसलिए आज भगवान श्री कालियों के सर के ऊपर नृत्य की, और भगवान उनको अपराध को ठाकुर जी माफ कर दिए, और उन्होंने भगवान को एक दिव्य रत्न प्रदान किया है, दिव्य रत्न प्रदान की। और भगवान को बोले ठाकुर जी जैसे आप गरुड़ को पीठ पर बैठ करके सवार करते हो, मैं भी एक मुहूर्त में कितने सौ कोस तक में गति कर सकती हूँ, इतने मेरी गति है, इसलिए कभी कभी आप मेरे को भी अपना वाहन रूप में स्वीकार करना। भगवान बोले ठीक है, अभी एक स्वरूप में तो यहाँ रहे, और दूसरे स्वरूप में उनको गोलोक वृंदावन में भेज दिए। जब ठाकुर जी को इच्छा होता है मैं थोड़ा सा नौका विलास करूँगा, तो उन्होंने कालियों को बुला करके उसके सर पर के ऊपर में अपना गोप गोपियों को लेकर बैठते हैं, और ठाकुर जी यमुना नदी में नौका विलास करते हैं ठाकुर जी। इसलिए जो भगवान कृष्ण हैं, कहते जो भगवान का कृष्ण का एक नाम किया है नट बर, जो शंकर जो नटराज है उनका जो पति, इसलिए कृष्ण गिरिराज हरण किया, भगवान को रास लीला करना, बगैर ब्रज गोपियों के रास कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने श्री गिरिराज को उठा लिया। सात क्रोश गिरिराज, सात दिन तक सात साल का बालक गिरिराज को धारण किया, इसलिए बोले कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा सु गिरिराज लिए उठाए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए जब कृष्ण गिरिराज धारण किया, मैया बारंबार लाला को मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला को हाथ में दर्द नहीं हो जाए। सखाओं ने कहा कन्हैया तू कब तक ये गिरिराज को धारण करोगे, थोड़ी विश्राम ले ले लाला, इतना समय से तुम एक हाथ को उठा करके रखे हो। कृष्ण ने कहा तुम लोग से गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, तो क्या अकेला मैया का दूध पियो, हमने क्या मैया का दूध नहीं पिए, इसलिए हाथ नीचे कर लो। कृष्ण धीरे धीरे हाथ को नीचे किया ना, गिरिराज धीरे धीरे नीचे आने लग गया, और जो बांस लगा कर रखे थे सब के सब टूटना शुरू किया। कृष्ण गोपन ने कहा कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा, और राधा रानी क्या कर रही थी, ऐसे तिरछ नजर से देख रही थी। बोले गिरिराज अगर तू नीचे उतर गना जला करके मैं तुमको राख बना दूंगी, वहीं पर टिको। इसलिए कहते श्री गिरि हैं राधा रानी की कृपा से गिरिराज लियो उठाए। इतने में जब सामने राधा रानी आ गई, राधा रानी को जब कृष्ण दर्शन करने लगे, राधा रानी की प्रेम इतने उन्नत प्रेम श्री राधा रानी की,
हैं, राधा रानी की कृष्ण दर्शन करते ही ना कृष्ण तो कांपना शुरू कर दिया हैं, क्योंकि बोले स्खलितम श्रीखंडम श्रीखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुनु। जब राधा रानी एक कृपा कटाक्ष से कृष्ण को दर्शन करती है ना, कृष्ण की हवा खराब हो जाता है, कृष्ण कांपने लग जाते हैं, मौर्य मुकुट गिर जाता, बंसुरी गिर जाती है। ऐसे राधा रानी के प्रेम की इतने महत्व, श्री राधा रानी की प्रेम, इतने में कृष्ण कहाँ, इतने विशाल गिरिराज को कृष्ण धारण किए, अगर कृष्ण हिलने लग जाए तो क्या होगा, गिरिराज भी डगमगाने लग जाएंगे, और उसको नीचे सारे ब्रजवासी उसको नीचे सब के सब आश्रय लिए हुए। इतने में सखा उनका कलकनिया, ये क्या कर रहे हो, किधर देख रहे हो, अरे उधर मत देखो, इधर मत देखा करो, राधा रानी की तरफ में क्यों देख रहे हो, हैं, इसलिए संभाल कर खड़े हो। अरे कृष्ण संभाल करके खड़े हुए, जब गिरिराज कृष्ण धारण कर लिया ना, इतने में एक दिन सखाओं ने पूछा, लाला ये बताओ तुमने इतने बड़े गिरिराज उठाया कैसे। बोले मैंने थोड़ी उठाया। बोले किसने उठाया। बोले जब तुम लोग मेरे को देख रहे थे ना, तुम्हारी जितने शक्ति मेरे अंदर में आ रहा था, इसलिए तुम्हारी शक्ति से तो मैं गिरिराज धारण किया था। बोले लाला पहले तो मक्खन चोरी करता था, अभी बल चोरी चुराना शुरू कर दिया, इसलिए तो हम सोच रहे थे हम इतना कमजोर क्यों लग रहे हैं हम इतने कमजोर क्यों लग रहे थे। ऐसे ही कृष्णा श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने जब धारण किया, इंद्र को जब पता चला, कृष्णा मेरी पूजा बंद करा के, ये कृष्ण बोलने पर उन्होंने ये एक पहाड़ को पूजा करवाया। इंद्र सोचा पूरा ब्रज को मैं तसनस कर दूंगा, संवर्तक मेघ अनचास पवन इनका आदेश दिया, ऐसे बारिश कर ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। इतना विशाल रूप में बारिश हुई जैसे हाथी के सूर जैसे ओले गिरने लग गए, पूरा प्रलय जैसे आ गया। इतने में सारे ब्रजवासी कृष्ण के शरण में आए, बोले प्रभु आपकी बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद करवाया, देखो ये क्या कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज सबका लाज, गिरिराज रखा करता है, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलहट में चलो। जैसे एक छोटा बच्चा छत्री धारण कर लेता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण छत्री जैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा ली। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। भगवान गिरिराज उठा लिए। 7 दिन जब हो गया, इंद्र ने भेजा देख करके आओ ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक ने तो ऊपर ऊपर देख करके चला गया, बोले ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं। दूसरों को भेजा तू देख करके आ, वो नीचे आकर के देखा तो वो तो सोच रहा था ब्रज में कोई बड़ी भारी विपत्ति आ गया होगा। बोले विपत्ति नहीं, ब्रज में तो संपत्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन कर रहे थे। हैं देखो अभी प्रश्न होता है, अगर तुम लोगों को बोलना 1 घंटा खड़े हो जाओ प्यार दुगना शुरू हो जाएगा, लेकिन कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज उठाए हैं, 7 दिन तक। फिर ब्रजवास लोग 7 दिन क्या किए, बोले जब कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन कर रहे थे, इसलिए गोपी गीत में कहते हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांगमपश्यता कुटिल कोंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकीदृशाम। इसलिए कहते हैं कृष्ण जब गया चराते हुए ब्रज में आते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके सारा दिन कृष्ण दर्शन नहीं मिला, सब ब्रज गोपियां बाहर निकल कर आती हैं और घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय इनकी प्रेम की उदाहरण देते हैं, कैसे कृष्ण के अंदर में 4 माधुर्य में एक प्रेम माधुर्य है। कहती है प्रेम माधुर्य का लक्षण क्या है, जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं, उदाहरण देती है कृष्ण का मुख कमल कैसे एक कमल, जो घुंघराली केस वो कैसे जैसे किसी कमल पुष्पों के ऊपर भौंराए मंडरा रहे हैं, और गया का खूर से जो धूल उड़कर गिरा जैसे मानो मुंह में पाउडर लगा करके रखी। और गोपियां जब दर्शन करती हैं, जब उनकी आंखों का पलक झपती हैं,
पता नहीं चलता इतने जल्दी पलक झपती हैं, लेकिन ये जब पलक झपती हैं उसको लगता है कृष्ण को दर्शन किए बगैर एक त्रुटि, मतलब कितने युग बीत गया कृष्ण को दर्शन नहीं किया। इसलिए गोपियां ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, ये ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर दर्शन करने के लिए दो आंखें दिए, फिर ये बीच बीच में झपती रहती है। मतलब ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इसलिए इनकी प्रेम ऐसे ही है। इसलिए जब कृष्ण के मुख कमल को दर्शन कर रही थी ना, इतने आनंद में प्रफुल्ल रहती थी, उनको पता ही नहीं चला कब 7 दिन बीत गया। दूसरा उदाहरण देते हैं, भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, कितना दिन रासलीला किया, ब्रह्मा का एक रात्रि है, 1000 चतुर्युग बीत गई, लेकिन गोपियों को कैसे लगा, मन अभी आए और अभी ये रासलीला अभी समाप्त हो गया, इसलिए उनको पता ही नहीं चला। जब दूसरों को भेजा, देखा ब्रज में तो होली मच रहा है, ब्रज में सबके सब बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे ब्रज में तो होरी मच रहा है। इतने में उसने जब वापस गया, बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया, बोले मतलब, बोले जिसको बालक समझ रखा था वो तो गिरिराज गोवर्धन धारण करके रखा, सोचा ये कौन है, देखा ये तो मेरे प्रभु है। फिर तो अमरावती में जब सची को साथ में सोने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई, फिर ब्रह्मा जी को फिर उन्होंने
अपना गुरु बृहस्पति को पास में गए। बृहस्पति बोले ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा बोले मैं भी फंस गया था एक दिन। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कृष्ण जब उन्होंने अघासुर को वध किया, मैंने आगे लीला देखने के लिए कृष्ण का बछड़ा सखा को चोरी किया और भगवान कृष्ण स्वयं बछड़ा सखा बन गए और मैं ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले ठाकुर ही मेरे ब्रह्म पद को दखल कर लिया, मेरे को भी बड़े नाक रगड़ना पड़ा। बोले क्या किया जाए? बोले उनका नाम गोपाल है, चलो सुरभि गाभी के अनुगत्य में जाओगे तो ठाकुर जी माफ कर देंगे। फिर उन्होंने श्री सुरभि गाभी के अनुगत्य में ठाकुर जी को पास में गए, भगवान को पंचामृत से उन्होंने स्नान करा के ठाकुर जी का एक नाम रख दिया, गोविंद नाम रख दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। हमारे बीच में श्री मोहन नगर से कुछ भक्त लोग आए हैं यहाँ कथा सुनने के लिए, और हमारे प्रभु श्री राजकुमार प्रभु जी आए और थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। खड़े आ जाते माइक, माइक ले लो प्रभु जी के पास। इधर आइए, इधर। नमो विष्णु पादाय राधिकाये प्रियार्पणे विष्णुदेव भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी की श्री कृष्ण लीला कथने आचार्य माधुर्य गणेश चिंतम वरम वैन्यम कृतम मात्रम नारायणं त्वं कृतानामि नारायणं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयपुजेयात् यं प्रवदन्तमपेतमपेत कृत्यं द्वीपायं विरकातराजुभावः त्रैति तन्मतर्भवविनिदूतं सर्वभूतिर्दं मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं नाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्तच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतो नमो नमः वांछा कर्म स्वरूप सच्चे कृपा सिंधु भेवच कथितो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि शिकार भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मित्र प्रथम स्मृति गुरुपाद पद प्रातःकालीन स्मरण नित्य लीला जगद्गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा शिष्यवत भक्तिवेदांत परमहंस प्रचार्य वक्रदंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरु पाद पद्मीर्ष गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री पूर्ण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपा गुरु वैष्णव परंपरा के श्री श्री कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पशु स्रोत मंडली सज्जन वृद्ध सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। कुछ भी कहने से पहले एक पंक्ति याद आ रही है, आप लोग तो परिचित है, योग्यता विचारे पिछु ना ही पाई तुम्हारे करुणा साथ। आप लोगों ने ये बात कीर्तन किया होगा, सुना होगा, तो ये मैं अपने जीवन में जब झांक कर देखता हूं ना, एकमात्र इन गुरु वर्ग की कृपा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अनुभव करने की बात है बस। आज जो भी बोलेंगे या जितना भी कहीं कहीं जाकर बोलते हैं, श्री महाराज जी की कृपा से
ये संभव हो पा रहा है। मैं अपने जीवन में दिन प्रतिदिन इस विषय में चिंतन करते हुए झांकता हूँ कि मैं क्या था और इन पिछले कुछ वर्षों में मैं क्या हो गया। तो जैसे मैं अपने साथी आए भक्तों से कह रहा था कि मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कैसी कृपा करी, ये हर किसी के अपने जीवन में अपना अपना अनुभव होगा कि गुरुदेव उन पर कैसी कृपा कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कैसी कृपा करी ये आप लोगों को भी मैं 2 मिनट में बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय की ये बात है। आप अनुभव करना कि आपके गुरुदेव भी ऐसे ही कहीं ना कहीं आपकी कृपा कर रहे होंगे। मैं अपने गुरुदेव को पहली बार मिला 27 जून 2004 को दिल्ली एयरपोर्ट पर। वो कहीं विदेश प्रचार से आए थे और मेरे मार्गदर्शक जो मेरे मित्र हैं हमारे जीत प्रभु, आप लोग परिचित होंगे उनसे, उन्होंने ही मुझे गुरुदेव के टिकट लेके गए। मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। गुरुदेव का दर्शन किया सामान्य रूप से, तब खड़ा था, कोई सज्जन महात्मा आ रहे हैं, बहुत लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं, कीर्तन हो रहा है एयरपोर्ट के अंदर, बड़ा अद्भुत दृश्य था। पर अपनी रुचि नहीं थी, उम्र भी 21 वर्ष की थी, रुचि नहीं थी, तब पर भी मित्र के कहने से चले गए। सब लोगों ने प्रणाम करा, हमने भी हाथ जोड़ के दिया। टप्पर जी प्रभु ने थोड़ा पानी मारते हुए चरण स्पर्श करके थोड़ा कर लो, बोला कर लेंगे भाई, महात्मा है, साधु है, ये देश तो साधुओं का है। हमने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, चरण स्पर्श करा। कहते हैं कि अपना अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताना भी जरूरी हो जाता है कि और लोगों को उससे कहीं ना कहीं फल अवश्य ही मिलेगा। तो वो पहला दिन था, मेरा आज तक का अनुभव है कि क्या अद्भुत उनके चरणों की महिमा बोले हम बोल ही नहीं पाएंगे। उनको स्पर्श करने मात्र से ही जैसे हाथ में बिजली सी गोंद गई, समझ में तो आया नहीं हुआ क्या। धीरे धीरे चलते रहे चलते रहे, लेकिन ये जो मैंने आपको तिथि और समय बताया कि 27 जून 2004, ये वो क्षण था मेरे जीवन में जो घटित हुआ। लेकिन ठीक इससे कुछ दिन पूर्व ही 8 जून 2004 को श्री महाराज जी ने अपना दर्शन दिया। कहाँ दिया? सेक्टर 32 में एक फार्म हाउस है, वहाँ हमारे नोएडा के एक राधानाथ प्रभु उनके बेटे का पहला जन्मदिन था, छोटे बेटे का पहला जन्मदिन। महाराज श्री वहाँ आए हुए थे, हमारी जान की दीदी अन्य अन्य और भक्त भी थे। तो मैं वहां भी गया था अपने मित्र के साथ में, जीत लोग के साथ में, ऋषि इत्यादि सभी लोग थे। तो वहां महाराज जी को मैंने ऐसे ऊंचे मंच पे बैठे हुए देखा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया कि अपनी रुचि नहीं थी, कॉलेज में जाने वाले थे और उन दिनों अलग तरह के लड़के लड़कियों में भाव हो गए हैं, तो अपना तो जीवन कुछ ऐसे करके चल रहा था। तो महाराज जी को जब देखा, महाराज जी बैठे हुए हैं, कुछ भागवत की कथाएं हुई वहां, और हमको कुछ अच्छा तो लगा कि भाई ये एक बड़ा ही शांति प्रिय हृदय को कहीं ना कहीं शांत करने वाला कुछ वातावरण है। तब पर भी हमारे अंदर कोई जागृति तो हुई नहीं, कोई जिज्ञासा भी नहीं हुई। फिर किस प्रकार से शिव महाराज जी के अनुगत्य में चलते 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 हम जहां भी महाराज जी की कथा होती थी, मैं और जीत प्रभु दोनों के दोनों स्कूटर पर दिल्ली नोएडा गाजियाबाद जहां भी महाराज जी की कथा होती थी, वो समय 2004 2005 6 7 8 तक का जो समय था, वो ऐसे इनकी कथाएं सुनने के लिए हम दौड़ते रहते थे। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव ने कृपा करी, लेकिन उस कृपा का जो एक बहुत बड़ा स्रोत मेरे जीवन में बनाया ना, श्री महाराज जी को बनाया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे गुरुदेव की कृपा है। आप इस बात को सिर्फ इसी बात से जोड़ के चलना कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, लेकिन वो स्रोत जो ऐसा अमृत स्रोत है जो निरंतर बह रहा है, वो श्री महाराज जी है। तो मैं महाराज जी आपके चरणों में सदा ऋणी रहूंगा। आप मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बना रखें, मेरी तो कोई योग्यता कभी भी नहीं है, कभी होगी भी नहीं। ये तो आपका प्रेम है, ये तो आपकी दया है कि मैं कहीं भी बलपूर्वक खड़ा हो जाता हूँ और माइक पकड़ लेता हूँ और कुछ ना कुछ बोल भी जाता हूँ। ये सिर्फ आपकी ही दया है। आपसे जो सुना ना पिछले 15-16 वर्षों में, सिर्फ उसी का हम रिविजन करते रहते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम कृष्ण कथाओं का गान करें। रट्टा मार के बहुत कुछ अच्छा बोला जा सकता है, पर वो अनुभव नहीं हुआ तो बोल के लाभ भी नहीं होगा। इन महात्माओं के जीवन में अनुभव है, इनसे सुनने से ही हमारे जीवन में लाभ होगा।
एक छोटी सी कथा बताता हूँ। पहले तो कथा से पहले आप सब लोगों को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सब लोग अपने लिए ताली बजाएं, फिर मैं बताऊंगा क्यों मैंने ताली बजवाई। अभी कुछ लोगों ने बजाई है, सबने नहीं बजाई है। आप देखो भैया, एक चीज है, इस जगह का नाम है श्री राधा गोविंद गौड़ी है मठ। ये जो गौड़ी होते हैं ना, इनके प्राण होते हैं महाप्रभु, क्योंकि गौड़ी सब तो निकलते ही मां से आ रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु से। और कल जैसे मैंने लाइव देखा, यहाँ श्री महाप्रभु आ चुके हैं ना। तो अब मेरे को वास्तविक रूप से यहाँ लग रहा है कि ये गौड़ी मठ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई भी मठ हो सकता है? गौड़ी मठ कहना थोड़ा सा मन को अपने को समझाने वाली बात है, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से गौड़ी मठ है, क्योंकि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु यहाँ आ चुके हैं अपने साक्षात अवतार में, अपने साक्षात रूप में। कृष्ण गुरुदेव की कृपा से ये संभव हो पाया। तो महाराज जी, आप ऐसे ही हम सब लोगों पर कृपा करते रहे। एक बड़ी सुंदर शिक्षा प्रद कथा है। एक ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों के साथ में घिरे हुए बैठे हुए थे, और कुछ अध्यात्म जगत की चर्चाएं हो रही थी। एक कोई व्यक्ति आता है और वहां आके बड़े जोर शोर से खड़ा हो जाता है, सबको देखता है। देखकर जब गुरु जी को दर्शन करता है, तो गुरु जी उससे ये पूछते हैं, आगे क्या? अब इतना भाव देखना कथा का और सीखना। और ये प्रसंग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शायद ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपने शिक्षा अष्टक में बोला है कि तरणानपि सुनिश्चय नितरोऽपि सही सुनना अमानिना मार्गेण चैतन्य तदारि, इस प्रसंग को, इस श्लोक को इस कथा से हम जोड़ के चलेंगे। तो वो जो गुरु थे वो कहते हैं कि आगे क्या, और वो जो व्यक्ति है ना, संसार में टूटा हुआ व्यक्ति था, जिसने संसार में जिसको बहुत रुलाया था, उसने कुछ नहीं करा, बस सीधा क्या करा, वो गुरु थे उनके ऊपर थूक दिया। अब ये देखते जो शिष्य के आसपास बैठे थे, उनको बड़ा क्रोध आया, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं है कुछ कहने की करने की, वो दंडता नहीं होनी चाहिए, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। जाके तो उसी से उसका उसको प्रतिफल कर सकते थे, जो उसने करा उसका उसको वही दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा, क्योंकि गुरु की अभी आज्ञा नहीं हुई है, गुरु ने कुछ नहीं बोला। फिर गुरु जी ने मुस्कुराते हुए बोला, आगे क्या? उसने फिर से गुरु जी को ऊपर थूक दिया। ऐसा करके गुरुदेव तो मुस्कुराते रहे, फिर से बोला, आगे क्या? अब वो सोचने लगा कि मैं इनके ऊपर थूक रहा, और ये बार बार मुस्कुराकर मेरे से पूछ रहे कि आगे क्या। तो वो वहां से फिर निकलने लगता है, अपना तेज गति से तेज चलते वो वापस चलने लगता है। तब शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, अगर आपने कहा होता तो आज हम इसको बख्शते नहीं। तो गुरुदेव मुस्कुराए, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। वो दिन बीता, रात्रि बीती, अगले दिन गुरुदेव फिर से अपना बैठे अपने शिष्यों के साथ में, वो व्यक्ति चला तो गया, लेकिन अब वो चिंतन कर रहा है कि आज जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिला कि मेरे दुर्व्यवहार से उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, और उसने प्रेम से हंसते हुए ही मुझसे हमेशा यही पूछा, आगे क्या। पूरे दिन चिंतन करता रहा, पूरी रात चिंतन करता रहा। अगले दिन जब वो गुरु अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति फिर आया, आगे खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो शिष्य तो कल से ही थोड़ा सा क्रोधित थे अपने स्वभाव से। गुरु जी ने फिर से उसको देखा, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, वो भगवान का ही एक स्वरूप है। गुरु जो होते हैं वो भगवान का ही एक स्वरूप है। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मैं आचार्य स्वरूप में किसी के जीवन में आ जाता हूँ, तब पर उसकी कृपा हो गई समझो। तो ये गुरु जी यही जानते हैं आज उसके हृदय के भाव को, फिर उसको कहते हैं आगे क्या। और जैसे ही वो गुरु ये कहते हैं ना आगे क्या, वो व्यक्ति खड़े खड़े जैसे दहाड़ मार के रोने लगता है, और सीधा गिर जाता है गुरुदेव के चरणों में। और जो फिर रोते रोते वो कहता है कि मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति ने आपके साथ में जो किया, उसके प्रतिफल में आज भी आप यही कह रहे हैं कि आगे क्या। तब वो गुरुदेव कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम संसार में इतने ज्यादा सताए हुए हो कि तुम्हारी जो वाणी है ना, तुम्हारे मुख में आके जवान पे नहीं आ रही है, और तुम्हारे हृदय में इतना क्लेश है, तुम्हारे हृदय में इतनी ज्यादा
इस संसार के लिए एक जैसे अभिशाप है इस संसार आपके लिए, क्योंकि जो व्यक्ति संसार का सताया होता है ना वो किसी पे भरोसा नहीं करता, वो सबको ही एकदम दुश्मन वाली दृष्टि से देखता है क्योंकि वो संसार का सताया हुआ है। अब जब साधु मिलते हैं ना तो साधु ही वास्तविक रूप से कृपा करते हैं हमारे जैसे संसार के सताए हुए जीवों पर। हम भी तो संसार में सताए जा रहे हैं, त्रिताप में नहीं सताए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं ना, पर जन्मों जन्मों से सताए जा रहे हैं, पर पता नहीं अब कितने जन्मों तक सताए जाएंगे वो तो ये जाने, चाहे तो इसी जन्म में ले जाए ना तो अपना धीरे धीरे जैसे भी इनकी कृपा होगी सबते रहेंगे। तो वो जानता है तो इसको बात को कहते ही जैसे वो कहता है ना उस व्यक्ति से तो और जोर से रोने लगता है कि मैं आज सच में किसी साधु का दर्शन करके कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय की बात को आप जान गए। फिर वो उसको अपने पास में बिठाते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति धीरे धीरे वो साधु का संग करते हुए गुरु का संग करते करते एक दिन स्वयं से ही साधु हो जाता है। ये छोटा सा कथा प्रसंग है। अब इस कथा प्रसंग में आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों को बड़े ही ध्यान से सुना। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि आप वास्तविक रूप से जीवन में भजन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? चाहते हैं। कुछ ही लोग कह रहे हैं कि जीवन में भजन करना चाहते हैं, अभी सब नहीं करना चाहते, मतलब करना चाहते हो ना भजन? क्योंकि हमारे महाराज जी आते हैं और पिछले मैं समझता हूँ 5-7 वर्षों से आ रहे हैं, तो वो भजन करने के लिए तो बार बार कह रहे हैं, इतने इतने बड़े पंडाल अलग कथा होती है, हजारों हजारों लोग प्रसाद पाते हैं 2-2, 3-3 टाइम, वो सब किस लिए? इसीलिए ना कि जगत के जीव भजन कर सके और जहाँ आए वहां जा सके, उल्टे जहां से आए वो इसीलिए तो इतनी कृपा करके यहाँ आ रहे हैं। और देखो ऐसे वैश्विक महामारी में आ रहे हैं, साधु से बड़ा हृदय किसी का नहीं हो सकता भाई। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर ना अपने अपने घरों में बैठे अपने काम से जा रहे हैं क्योंकि उस काम से उनको धन मिलता है, उस काम से उनको धन मिलता है। अगर धन ना मिले ना, सारे साइंटिस्ट डॉक्टर अपने घर में बैठेंगे आराम से बच्चों के साथ, हम क्यों जाए महामारी में, हम तो नहीं जाते, उनको धन मिलता है इसलिए वो काम पे जा रहे हैं। लेकिन साधु श्री महाराज जी के जीवन में आप देखिए वो क्यों आए यहाँ इतने वैश्विक महामारी में, वो क्यों अभी फ्री दवा साथ कथा करके आए? ये जो हृदय में दया की भावना है ना, ये एक सच्चे साधु में ही हो सकती है। वो जानते हैं कि जगत के जीव अगर आज मेरे संपर्क में आके भगवान की तरफ को मुड़ गए तो इनका जीवन पार लग जाएगा, इसलिए वो इतना बड़ा साहसिक कार्य कर रहे हैं। वो बैठे नहीं है आराम से, लगातार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि आप भी भजन करना चाहते हैं तो हम वो भजन कैसे कर सकते हैं? भजन करने की जो परिपाटी है वो क्या है? बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, अभी जो मैंने कथा बताई उस कथा का सार ही है कि हमको भजन कैसे करना है। महाप्रभु का जो श्लोक है ना, करणागति सुनी चैन करो रति सही सुनी ना मानी ना मान देन फिर कहिए सदा हरी, इसको अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे ना तब तक भजन नहीं होगा, तब तक भजन नहीं होगा। अगर वो साधु अपना असम्मान स्वीकार करते कि इतने मेरे ऊपर छूगा, अपने शिष्य को कह देते कि अभी इसको पकड़ो मारो इसको, तो जीवन में कभी परिवर्तित होता वो व्यक्ति? कभी नहीं होता। और साधुओं के प्रति भी उसके हृदय में घृणा हो जाती कि संसार को तो मैंने देख ही लिया, ये साधु भी सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन साधु ने क्या करा? उसके ऊपर दया दृष्टि बना के रखी। ऐसे हम लोग भी अगर भजन करना चाहते हैं ना, अपने आप को ऐसे समझ लें कि कोई हमारे लिए कुछ भी बोल रहा है बोलो भाई ठीक है, कोई हमारे लिए कुछ कह रहा है कहो भाई ठीक है, कोई हमारे लिए हमको पीने की भी व्यवस्था कर रहा है करो भाई ठीक है, तब तो अपना भजन होगा। उसके उत्तर के प्रति उत्तर में हम लग गए, उसके उत्तर के प्रति उत्तर में हम लग गए, अच्छा इसने ये बोला इसने दो गाली दी मैं चार दूंगा, इसने दो झापट मारे मैं चार मारूंगा, तब पर भजन होगा? कभी नहीं होगा। भजन करना है तो महापुरुष की यही शिक्षा है करना कभी सुनिचे, और ये हमको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के जीवन में देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ साधु नहीं सच्चे साधु के जीवन में देखने को मिलता है। साधु तो काल ने भी बना था, साधु तो रावण भी बना था, लेकिन सच्चा नहीं था। सच्चा साधु कौन है? हमारे बीच में बैठे। तो ऐसे शिव महाराज जी के लिए एक बार आप ताली बजा दो।
विश्राम करता हूँ इस हफ्ते पे तो वांछा कल्पत्र कृपा सिंधु के पति का नाम आपने जो जीवन में जो लगा लगा राजकुमार प्रभु की जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय एक गोपी कन्हैया को निमंत्रण देकर के अपने घर आ गई और रात दिन कन्हैया को चिंतन करे है कि कब मेरे घर कन्हैया आवे हो, कब मैं लाड़ लड़ाऊंगी, कब मैं बापू माखन खवाऊंगी। तो भगवान क्यों नहीं बाकी द्वार पे जाऊंगे, जरूर जाऊंगे। जो भक्त कन्हैया को पुकारेगा तो कन्हैया आने में देर नहीं करते। भगवान भक्त बक्सल है। Yeah.
कुया ब्रज की भोली गाई और मैया ब्रज को प्रेम सामरी सलोनी है पर दिल की बड़ी भोली है। अच्छा यहाँ का हम बाबा जी को कीर्तन हो रही वही आके पहुंचा जरूर पहुंचा लगाए ले प्रीत गुजरिया मुकुट पहरा दे गर्मो दिन माला पहरा दे
अब कहा दे रहे लगाए दे तिलक गुजरिया, लगाए दे तिलक गुजरिया।
माइक मैंने बोला थोड़ा साउंड बढ़ा दो और प्रेम ने टोन बढ़ा दी, उसके बाद तुरंत ही फिर किसी ने कम कर दी। महाराज जी को फिर बोलना पड़ा या थोड़ा बढ़ा। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवीन प्रभु जी आपके पास। नवीन प्रभु जी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्या ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमान् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामिति नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमान् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए ब्रजवासी हमारे वेदांत प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम और हमारे ब्रह्मचारी गण एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह का विराम दिवस है, जबकि इतना आनंद आया मैं अपने हृदय की बात बताऊं तो इतना कोरोना काल से अलग कभी नहीं आया। कोरोना काल में इतना आनंद आया और आज भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की सुंदर सुंदर लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं। देखो जितने भी ब्रजवासी हैं वो हमें अनन्य भक्ति सिखाते हैं। अनन्य का मतलब आपने कई बार श्रवण किया होगा, ना अन्य किसी और के नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यदि भगवान को लक्ष्य किया हुआ वेद पढ़ा गया तो सार्थक है, यदि भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य किया हुआ यज्ञ किया तो सार्थक है, यदि भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य किया हुआ योग कोई कर रहा है तो सार्थक है, यदि कोई क्रियाएं कर रहा है कर्म कर रहा है भगवान की लक्ष्य करते हुए तो सार्थक। श्रीमद् भागवत में ये सुंदर एक श्लोक आया, वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान श्री कृष्ण के लिए यदि हम कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, संसार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान को लक्ष्य नहीं किया तो सब निरर्थक है। फिर से 84 लाख योनियों में हमें जाना होगा, कुत्ता बिल्ली गधा ये सब बनना होगा। इस श्लोक में और पूर्णतम श्रीमद् भागवतम के अंदर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके हम सबको समझाया गया। श्री वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे, वेद लिखे, महाभारत लिखा समस्त जीवों के हिसाब से। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि पुराण कई शिव पुराण पुराण कई देवी पुराण इत्यादि हैं, तो वेद व्यास जी तो सब कुछ जानने वाले हैं कि भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवत सत्ता है, तो इस तरीके से भ्रमित करने वाले पुराण क्यों लिखे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपम अनादि राधिकार अर्थात भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परम ईश्वर है, समस्त कारणों के कारण है और ये सब जानने के उपरांत विवेद व्यास जी ने ऐसे भ्रमित वाले पुराण क्यों लिखे। तो बताया शास्त्रों में जीव इस संसार में 3 गुणों से लिप्त रहता है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण। कोई तमोगुण में ज्यादा लिप्त रहता है, कोई रजोगुण में ज्यादा लिप्त रहता है और कोई सत्वगुण में ज्यादा लिप्त रहता है। तो इस वजह से वेदों को पुराणों को लिखा गया जिससे समस्त जीव
क्रमिक अपना अपनी स्वभाव से अपनी प्रगति कर सके, अपनी प्रगति के लिए जीव के अनुसार, जीव के गुणों के अनुसार उनको जिस अवस्था में जीव है वो उधर ही रह करके अपनी श्रद्धा को बढ़ाए, और बढ़ा करके वो यदि तमोगुणी बुद्धि लिए हुए है तो उसको काली इत्यादि का और कई प्रकार की विद्याएं हैं उनको अर्जित करके वो आगे बढ़ेगा तो भी उसकी श्रद्धा होगी। कोई रजोगुणी प्रधान है तो वो देवी और शंकर जी इनका जो है भगवान का उपास्य उपासक बन करके भगवान की भक्ति कर सकता है और समस्त प्रकार की चीजें प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के से जो सत्वगुणी है उसके लिए बताया कि भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की भी भक्ति करने में भी सत्वगुण भी पूर्ण सत्व नहीं, जब तक पूर्ण शुद्ध सत्व नहीं होगा जिसे निर्गुणा कहा गया तब तक ये ब्राह्मण बन के भी यदि ब्राह्मण कुल में हमने जन्म भी लिया तो भी लाभ होने वाला नहीं। निर्गुणा भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताइए, तो अनन्य भक्ति को लक्ष्य करके ही वेद व्यास जी ने ये सब कुछ यहाँ पर हम सबके लिए प्रस्तुत किया, और उसके बावजूद यदि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं भजेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे राम राम हरे हरे। तो ब्रज के अंदर जो लीलाएं हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके ही सारी लीलाएं हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ पुष्पों का चयन करने के लिए कुसुम सरोवर गए। कुसुम सरोवर में सुंदर सुंदर वहां पर वृक्ष इत्यादि थे और वहां समस्त प्रकार के पुष्पों के वृक्ष थे। एक वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जाकर छुप करके बैठ गए। जैसे ही राधा रानी आई और डाली को पकड़ करके नीचे खींचा और उसमें से पुष्प चयन करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण जो ऊपर विराजमान थे उन्होंने उस डाली को बहुत ज्यादा दबा दिया था जिससे कि राधा रानी आराम से उसको पकड़ सके, और जैसे ही आराम से राधा रानी ने पकड़ लिया तो वहां से अपना पांव हटाया। पांव हटाते ही राधा रानी उस डाली के साथ जो है ऊपर की तरफ उड़ गई। अब वो चिल्लाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी डर गई है, नीचे उतर के उनको अंग में भर करके नीचे दिया। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। इसी तरीके से यदि हम गिरिराज जी की कथा हम श्रवण करें, गिरिराज जी में भी यही इस तरीके की लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब गिरिराज जी उठा रहे थे, महाराज जी बता रहे थे, तो सभी गोपियां बोल रही हैं कि देखो ये गिरिराज जी तो राधा रानी ने उठाए हुए हैं और आप बन रहे हो गिरवर धारी। कैसे उठाए हुए हैं आप जो हैं? राधा और कृष्ण में कोई भेद है क्या? नहीं, राधा रानी आपके कौन से भाग में है? बाएं भाग में। और आपने जो गिरिराज जी को उठाया हुआ है वो कौन से भाग से उठाया है? बाएं भाग के बाएं हाथ से कन की उंगली से उठाया हुआ है। तो सारा का सारा जो वजन है वो तो गोवर्धन का किस पे दिया? राधा रानी के ऊपर, और बन गए खुद गिरवर धारी। इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लीला जो है हो रही है, और अभी ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि अभी चिराग पर वो कोई बोलना है ना, इनके सुनने के लिए सब आए हुए हैं, अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। वंशा करते तो बात सुन लेते हैं। हरे से वृंदावन बिहारी लाल की आज भगवान सुदामा का चरित्र हमारा आया लड्डू गोपाल जा। हरे Thank you.
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भाई श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो और यहाँ पे उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ आप सभी को मैं बार बार दंडवत करता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझको आज्ञा दी है कि श्रीपाद श्री सुदामा जी के चरित्र पर मैं कुछ कहूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिवसीय यह दिव्य सरस प्रसंग होता है तो समय के अभाव के कारण बहुत समास व्यास शैली में इसको संपूर्ण किया जाता है। देखिए पद्यावली का एक श्लोक है, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुधान्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादव पतैरुग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तप्रियो माधव। पद्यावली By himself, रूप गोस्वामी पाद। देखिए भगवान कहते हैं व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य चवयोः। यदि मैं आचरण को देखता तो व्याध का क्या चरण था, यदि मैं आयु को देखता तो ध्रुव की और प्रहलाद की क्या आयु थी, यदि मैं धन देखता तो सुदामा जी का क्या धन था। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि भैया भक्ति के लिए भी धन होना जरूरी है, कहीं जाओ तो महाराज धन होना आवश्यक है, लेकिन कहते हैं कि भक्ति आजकल तो भक्ति भी धन का ही व्यापार स्वरूप हो गई है, पर ऐसा नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए ही श्रीपाद सुखदेव जी ने ऐसे परम दिव्य सरस संत का चरित्र श्रीमद भागवत जी में अंकित किया है। श्री सुदामा जी के विषय में हमारे श्रीपाद चक्रवर्ती पाद एक ही बात कहते हैं, इन पर इस कारण की विपत्तियां और ऐसा अनुग्रह है, इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा केवल एक ही कारण है, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। श्री भगवान जो भी कुछ करते हैं केवल और केवल करुणा करने के लिए ही करते हैं और जीव को शिक्षा प्रद करने के लिए ही यह करते हैं। अब आ जाइए सुदामा जी का निर्मल चरित्र। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम इंद्रियार्थ विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ये सुदामा जी के विषय में कहा है। सुदामा जी कैसे हैं? महाराज ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ये जन्म से तो ब्राह्मण है ही है, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ ही है, लेकिन ब्राह्मण वित्तमः महाराज, ये अपने कर्म से भी ब्राह्मण है, ब्रह्मण्य है, ये समस्त शास्त्रों का इनको ज्ञान है और महाराज सारी की सारी विद्या इनको आती है, लेकिन फिर भी प्रशांत आत्मा, सुखदेव जी लिख रहे हैं प्रशांत आत्मा है। देखिए प्रशांत आत्मा क्या तो सुदामा जी हुए हैं। प्रशांत आत्मा मतलब प्रकृष्टम आत्मा नाम इससे प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा उज्जवल उज्जवल है, प्रशांत है, और वहां पे रामावतार में केवट हुए हैं वो भी प्रशांत आत्मा है। भैया इनके पास कुछ नहीं है, ये विरक्त है, इनके पास खाने को और महाराज ग्रहण करने को भी कुछ नहीं है, विरक्त शिरोमणि है सुदामा जी। बहुत भजन का बल होते हुए भी भगवान से केवल और केवल उनके प्रेम की याचना करना ही सुदामा जी का व्यक्तित्व महाराज स्वभाव है, और वहां पे केवट का भी यही है। भगवान ने कहा राम जी ने केवट कुछ ले ले, बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट लेन। भगवान ने केवट ले ले, केवट ले ले, केवट ले ले, अरे तुमने मेरे चरणों को पखारा है, अति आनंद उमग अनुरागा जैसे राजा राम, चरण सरोज पखारन लागा जय जय सीता राम। हरे कृष्णा, कहा उनसे कि तो कुछ ले ले केवट से, कहा केवट ने कहा प्रभु मैं आपसे कैसे ले लूं, तो अपनी जाति के लोग होते हैं ना, एक ही काम होता है, एक दूसरे से कुछ लेते नहीं है। इसकी बैटरी शायद थोड़ी खत्म, लीड वाला, लीड वाला। इसकी नहीं खत्म होने की बैटरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कहा कि कुछ ले ले, तो कहते हैं प्रभु आपकी भी एक जाति है और मेरी भी एक जाति है। भगवान ने कहा मेरी और तेरी केवट एक जाति कैसे? बोले प्रभु आप जो, मैं जो है, मैं भवसागर उतारने वाला खिवैया हूँ, मैं इस गंगा जी के उस पार उतारने वाला खिवैया हूँ, लेकिन आप भवसागर को उतारने वाले खिवैया हैं, इसलिए हमारी जाति एक ही है। नाई से नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और देखे मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे घाट तो पार में उतार दियो, जब आओ तुम्हारे घाट तो पार मोही उतार दियो। प्रभु अब तो मैं आपको गंगा जी पार करा रहा हूँ, लेकिन जब भवसागर पार करने की बारी आएगी तो आप ही मुझको पार करा देना। इस कारण से ये भी प्रशांत आत्मा है और श्री सुदामा जी हैं। अच्छा सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, सुदामा जी का सुन लिया व्यक्तित्व। उनकी पत्नी तो उनसे भी 21 है महाराज भजन में। उनकी पत्नी के लिए लिखते हैं तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध श्यामा, तस्य भार्या कुचैलस्य शुद्ध श्यामा। महाराज कुचैलस्य कहते हैं जो मैले कपड़े पहने, उस सुशीला जो इनकी पत्नी है उनके पास मात्र केवल एक ही साड़ी है। भैया वही सुबह नहाते समय वही साड़ी को धो करके वही वापस पहन लेती है। भैया गर्मियों में तो चल जाए पर सर्दियों में कैसे चले, सर्दियों में वही साड़ी को धो करके निचोड़ करके उसको सुखाती है, ठिठुरती है बिल्कुल सर्दी में, लेकिन अपने पति से नहीं कहती। क्यों? क्योंकि मेरे पति को भजन में विक्षेप होगा। महाराज पत्नी किसे कहते हैं? पत्ना त्रायती इति पत्नी ही, जो अपने पति को नरक जाने से बचा ले उसे ही पत्नी कहा जाता है। इस कारण से सुदामा जी के भजन में कोई विक्षेप ना आवे, इस कारण से वे क्या करती हैं? वे अपने पति को कुछ नहीं कहती हैं कि हमारी क्या अवस्था है। और कुचैलस्य और छुत छामा किसे कहते हैं? संस्कृत में छुत छामा का अर्थ है जो केवल और केवल बहुत कम भोजन में निर्वाह करने वाली है, आधे समय भूखी रहती है। एक बार क्या हुआ भैया, वे कैसे
महाराज वे कैसे निर्वाह करती हैं, कभी कभी उनके घर में ऐसी अवस्था आती है सुदामा जी के कि किसी दिन थोड़ा बहुत हो गया, किसी दिन महाराज भूखे पेट ही निर्वाह करना पड़ता है। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, माँ भोजन दो, माँ भोजन दो, माता क्या करे अब घर में कुछ है नहीं, और तो महाराज खाली जो खाली बर्तन को आंच पे रख देती है गर्म पानी करने के लिए और कहती है रुक जाओ चावल सिद्ध हो रहे हैं बच्चों। इतने में बच्चों को नींद आ जाती है, महाराज भी सो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा बिल्कुल ही 4 दिन हो गए भोजन करे, श्री सुदामा जी जो भी वो भिक्षा में मांग के लाते हैं केवल वही, अब उसी से ही अपने घर का गुजारा करते हैं महाराज। भैया एक बार सुदामा जी 4 दिन बाद महाराज भोजन कहीं से प्राप्त हुआ और जैसे ही भोजन करने बैठे तुरंत ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई, भैया भोजन हो तो दे दो, यह ब्राह्मण 5 दिनों से भूखा है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। सुदामा जी के मन में कैसी द्रवित भावना आ गई कि भैया हम तो केवल 4 दिन से भूखे हैं, वह 5 दिन से भूखा है, इसलिए अपने हिस्से का महाराज उन्होंने भोजन निकाल करके उस ब्राह्मण को दे दिया। लेकिन श्री सुदामा जी का क्या मन में सदा केवल और केवल कृष्ण नाम ही चलता रहता, हमेशा कृष्ण नाम वे गुनगुनाया करते थे। है कृष्ण हमारो यार और कोई यार नहीं, है कृष्ण हमारो यार और कोई यार नहीं, एक अपने प्राण प्रियतम श्री भगवान के स्मरण में सदा श्री सुदामा जी रहते। महाराज एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा अति हो गई, जब बच्चे भूख से बिलबिलाने लग गए तो महाराज क्या करे श्री सुशीला जी ने मन में सोचा कि हाँ मेरे पति एक बात कहते हैं, मन की मन में रहनी चाहिए पर कहनी हो तो केवल मनमोहन सो कहनी चाहिए, केवल मनमोहन सो कहनी चाहिए। इसलिए बहुत जब अति हो गई तो सुशीला जी ने पुकारा श्री भगवान को, सुध मेरी भी लेना गिरधारी, सुध मेरी भी लेना गिरधारी, गिरधारी तुम तो सारे जगत के हो दाता, अरे कछु हमको भी देना गिरधारी, कछु हमको भी देना गिरधारी, सुध मेरी भी लेना गिरधारी। जब ऐसे कहा भगवान द्रवित हो गए और भगवान बालक स्वरूप बना करके महाराज सुदामा जी के घर के बाहर आए, मैया भिक्षा दे दे, कोई है तो भिक्षा दे दे। सुशीला जी बोली हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको कैसे भिक्षा दूं। लेकिन महाराज वो गई बाहर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर आ जाए तो उसका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। वे आई हैं, आकर के कहा उन्होंने, बोलिए प्रभु आप, हे बाल प्रभु आप बताइए किस लिए आए हैं, कहा मुझे कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा, श्री सुशीला जी ने कहा कि प्रभु अभी अभी मेरे अभी अभी मैं सूतक में हूँ, इस समय आपको देने योग्य नहीं हूँ। उन्होंने पूछा, बच्चे ने उस बाल योगी ने पूछा कौन सा सूतक, जन्म सूतक की मरण सूतक, उन्होंने कहा जन्म सूतक। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि लेकिन दिखने में तो आप प्रसूता नहीं दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे यहाँ जो बच्चा है वह 14-15 साल का हो गया। बोले 14-15 साल का हो गया कैसे, उन्होंने कहा कि भैया मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी बालक ने जन्म लिया है, इस कारण से वह बहुत बड़ा हो गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसलिए मुझे क्षमा करो। वो रोने लग गई सुशीला जी, हाय कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से बिना
बिना कुछ लिए चला गया, कैसी विपत्ति आनी पड़ी है हमारे यहाँ। भैया उस बालक ने कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो देने आया हूँ। उन्होंने कहा क्या देने आया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति जो है वो श्री कृष्ण के सखा है, द्वारिकाधीश के सखा है, उनको भेजो वहां। जैसे दिव्य सूर्य धधकते हुए सूर्य के सामने महाराज अंधकार टिक नहीं सकता, ऐसे ही श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं, उनके सामने कोई विपत्ति एवं दरिद्रता टिक नहीं सकती। इस कारण से भैया पत्नी ने आदेश दिया कि जाइए, जाकर के आप जो है द्वारिकाधीश के पास जाइए। जब ऐसा आदेश दे दिया तो महाराज सुदामा जी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने मित्र के यहाँ जाऊं तो कुछ लेकर के जाऊं। तो महाराज चतुर मुष्टिका तांडुलम सहगच्छेत, चार मुट्ठी जो चिवड़ा है, अलग अलग घरों से ला करके चार तरीके के चिवड़े जो हैं, वो श्री सुशीला जी ने चार कपड़ों की, महाराज कपड़ा भी पूरा नहीं है, चार उसकी परत लगाई है कपड़ों की, उसके बाद उसके अंदर वो चावल रखे हैं, चावल रखने के बाद जो है सुदामा जी को भेजा है। अब देखिए सुदामा जी कैसे जा रहे हैं। सुदामा जी धीरे 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 करके जा रहे हैं। महाराज जब चलते चलते वो बहुत दुखी हो गए, तब महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, कन्हैया भैया मेरे, मैं तो हार गयो हूं, अब तोहे बुलानो हो तो तू ही बुला ले। सुदामा जी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वाले प्यारे, मेरी सुधी ले भैया, मेरी सुधी ले। हे कृष्ण द्वारिका वाले प्यारे, मेरी सुधी ले भैया, मेरी सुधी ले। कर्म जाल हम फंसे धसे माया के दल दल भारी, तुम बिन और सहाय करे को, तुम बिन और सहाय करे को। हे गज के फंद छुड़ा मन वारे प्यारे, मेरी सुधी ले भैया, मेरी सुधी ले, मेरी सुधी ले। हे कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सुधी ले भैया, मेरी सुधी ले। बैठ गए, नींद आ गई उनको, भगवान को वेदना जागी, इतनी दिव्य पीड़ा में भगवान ने कहा, रुक्मिणी गरुड़ को बुलाओ, गरुड़ को बुलाओ, जल्दी करो गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ को बुलाया गया, महाराज गरुड़ ऊपर से आए हैं। कहा भगवान ने, गरुड़ तुम सदा मेरा भार ढोते हो, आज एक भक्त का भार ढोगे तो धन्य धन्य हो जाओगे, जाओ इस सौभाग्य को मत खो और तुरंत जाओ सुदामा जी को द्वारिका ले आओ। महाराज तुरंत गरुड़ गए हैं और चुपचाप सोते हुए सुदामा जी को उठाया है और द्वारिका ले आए हैं। जैसे महाराज सुदामा जी के नेत्र खुले हैं, देखा ही कौन नगरी में मैं आ गया। जब देखा कि किस नगरी में मेरा यहाँ पे प्रवेश हो गया, तब पूछा किसी से, भैया ये कौन नगरी है, तो कहा, अस्य द्वारिकायां साक्षात श्रीनगराह संभवात्मा, ये साक्षात भगवान की नगरी द्वारिका है। एकदम से सुदामा जी प्रसन्न हो गए। महाराज पूछा रास्ते में कि कन्हैया का महल कहाँ है, तो कहा, कौन कन्हैया, तो कहा, यहाँ के जो राजा है, तो कहा, भैया ध्यान से ये क्या बोले जा रहा है, यहाँ पे बहुत संभल करके उनका नाम लिया जाता है, परम चक्र चूड़ामणि श्रीपाद श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, ये नाम है। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं तो उनका बाल सखा हूँ, हमको तो इतनो बड़ो नाम ना ही बोलनो आवे, हम तो अपने कन्हैया को ही जान। तो उन्होंने कहा, ठीक है, द्वारपाल से कहा है कि भैया जाओ जाकर के भगवान को कहो कि आपके सखा आए हैं सुदामा नाम से, पहुंचे हैं द्वारपाल। जैसे ही द्वारपाल गए हैं भगवान के, भगवान महाराज भोजन करने के लिए बैठे ही थे, रुक्मिणी ने दिव्य महाराज मधुर इत्यादि समस्त व्यंजनों को महाराज प्रस्तुत कर रखा है, दास दासियां महाराज सेवा में उपस्थित है,
और महाराज समस्त वैभव श्री भगवान के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। जैसे इस दिव्य वैभव के बीच में वह द्वारपाल पहुंचा, जाकर के उन्होंने कहा, प्रभु एकस्य बाल ब्राह्मणो आगच्छत अति वैभव रहिता। प्रभु एक बिल्कुल दीनहीन ब्राह्मण आ रहा है। भगवान ने कहा, आपने उन्हें रोका कैसे? हमारे यहाँ विप्र ब्राह्मण और संतों को तो कभी आने के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा, प्रभु वो थोड़ा विचित्र है, वो बताते हैं कि वे आपके सखा हैं। तो भगवान ने पूछा, नाम क्या है? भैया सारी की सारी घटना बताई है। कहा, कौन है? देखत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा, सुदामा आए हैं महाराज। जैसे सुना सुदामा आए हैं, श्री कृष्ण दौड़े हुए आए हैं महाराज। उत्तरी कहीं पटक पर गिर गया। भगवान अपने पैरों को स्तंभित करते हुए महाराज ठुमक ठुमक करके श्री कृष्ण अपने महल से बाहर जा रहे हैं। सारे के सारे द्वार पर चकित हो गए हैं। जो कभी ब्रह्मा आते हैं तो भगवान कृष्ण कभी भी उनके सामने एकदम से नियुक्त नहीं होते, कहते कुछ देर प्रतीक्षा करो। इंद्र आते हैं, शंकर आते हैं, तब कहते हैं अभी नहीं, भगवान व्यस्त है, प्रतीक्षा करो। लेकिन ऐसा कौन आ गया है जिसके लिए स्वयं श्रीपाद भगवान नंगे चरण तोड़े जा रहे हैं? महाराज जैसे ही गए, इस तरफ से श्री कृष्ण आ रहे हैं, उस तरफ से सुदामा ने देखा है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके कलवत्त होकर के महाराज ऊपर आकाश से देवता देख रहे हैं। देवताओं ने फूलों की दिव्य वर्षा करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा भगवान के गले लग करके रो रहे हैं, भगवान सुदामा के अंक में लग करके रो रहे हैं। महाराज कई पहर बीत गए, दोनों एक दूसरे के आलिंगन को नहीं छोड़ रहे हैं। सुदामा ने देखा, भैया इनका तो मक्खन मलाई जैसा शरीर है, मेरी तो हड्डी हड्डी निकल रही है, कहीं मेरी हड्डियों की चुभन से मेरे लाला को पीड़ा ना हो जाए। और महाराज श्री कृष्ण सोच रहे हैं, इनका कितना कर्कश शरीर हो गया है, मेरा कैसा मजबूत शरीर है, कहीं मेरे ज्यादा आलिंगन के बद से इनकी कहीं हड्डियां ना महाराज सरक जाए। इस कारण से दोनों एक दूसरे को बाहु प्रकार पाश में लिए हुए महाराज दिव्य प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। भैया मित्रता क्या है? इस कारण से भगवान ने कहा, चलो सुदामा महल चलो, महल चलो। नहीं नहीं लाला, तेरे दर्शन के लिए आया हूँ बस, महल चल महल चल। नहीं नहीं लाला, मैं जा रहा हूँ बस, तेरे दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने उनको कहा, नहीं महल चल। तो भगवान लेकर के गए हैं। श्री कृष्ण ने देखा उनकी हालत, ओहो आसन पे बिठाया है। बड़ी निठुराई तेने धारी सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तेने धारी सुदामा भैया, एते दुख पायो मेरे पास क्यों ना आयो, अरे व्यथा मोही ना सुनायो, मोही आही को बिलक। अरे इतना दुख पाया है, अरे कम से कम अपनी व्यथा तो मुझे कहता। वस्त्र फटे थे पुराने, अंग अंग सकुचाने, और महाराज पनैया जाहू काहू पनैया नहीं पग। बहुत दिन के बाद मिलियो अब काहे सुरति बिसारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई हारी। हे सुदामा कैसा निष्ठुर हो गया है तू, अरे इतने दुख भी हो रखा था तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने, क्यों नहीं बताया? भगवान ने उनको बिठाया है आसन पे। महाराज उनके पैरों का प्रक्षालन किया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओहो देखा पैर में कैसे बिवाही फटी हुई है, महाराज छाले हो रखे हैं, भगवान हाथ लगा रहे हैं, बहुत कर
स्पर्शा क्षमाभ्याम। जब लक्ष्मी जी उनके पैरों को हाथ लगाती है तो महाराज श्री भगवान समझ आ जाते हैं, उनको लक्ष्मी जी के कोमल हाथों से भी बहुत दर्द होता है। तो सोचिए सुदामा जी के कंठ का कीन चरणों पर श्री भगवान अपने कोमल कोमल दिव्य कर को स्पर्श कर रहे हैं तो सुदामा जी की और भगवान की क्या दशा हो जाती है। इस कारण से भैया दोनों भगवान ने कांटे निकाले हैं, दिव्य वस्त्रों को दिया है, सुदामा जी ने वस्त्र को दिव्य पहना है, सुदामा जी को दिव्य भोजन करा। ऐसा नहीं कि महाराज छप्पन भोग दिख गया तो सुदामा जी ले ढूसा लग गए कि चम खाच, नहीं नहीं, कहा लाला हम तो दो रोटी नमक के साथ ही पावे, इतना ज्यादा व्यंजन हमको नाए भाई भैया, इस कारण से तू हमें थोड़ा कुछ दे दे, बस इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। श्री भगवान ने भृगु टेढ़ी करके कहा भैया मैं दे रहा हूँ इसको भगवत प्रसाद प्रसाद समझ के अंगीकार कर। सुदामा जी ने खाया है, महाराज दिव्य वस्त्रों को दिया है, पहन करके सुंदर हो गए सुदामा जी। अब महाराज पत्नियां आई, श्री भगवान साथ बैठे हैं सुदामा जी के। सुदामा जी ने कहा कि लाला तेरी शादी है गई क्या? तो भगवान बोले कि हाँ। तो बोले तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। श्री भगवान बोले सुदामा जी आपकी भी हो गई? बोले हाँ हो गई भैया, एक मेरी पत्नी है बहुत सुशील है, नाम भी सुशीला है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। भगवान बोले तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा हो गया? बोले लाला ये तो तू खाम का ही कह रहा है, मेरा तो एक हुआ है, तेरे तो 16,108 हुए, एक भैया। भगवान ने कहा अब पत्नियां आ रही हैं महाराज, पत्नियां आई हैं, चरण स्पर्श किया है सुदामा जी के, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है पति प्रिया भव सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। महाराज एक आई, दो आई, तीन आई, हाथ उठाते उठाते सुदामा जी के हाथ दुख गए, कितना आशीर्वाद दे महाराज 16,108 को, 500 आई, 1,000 आई। थोड़े थोड़ी देर में कहा कोना कोनी मार करके श्री कृष्ण को सुदामा जी ने, लाला मेरे तो हाथ दुखन लग गए, तू एक काम कर। बोले कि ऐसे मत कर, सारी की सारी मेरी सारी पत्नियों का आशीर्वाद देना, ये तो तुम पार्षद ही कर दोगे सुदामा जी। उसने कहा, सुदामा जी ने कहा लाला बस तू एक आधी सही सल डाले। अच्छा सुन, शास्त्रों में लिखा है यदि सारी पत्नी की ओर से केवल पति प्रणाम कर ले तो महाराज उसको उनको सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाता है। तो महाराज जैसे ही सुना श्री कृष्ण आह्लादित हो गए, महाराज साक्षात दंडवत किए सुदामा जी के चरणों में, नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण ने प्रणाम, श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने हाथ उठा करके कहा लाला तो एक आशीर्वाद दू, पर आज तक जितनी भजन किया है, जितनी पूजन किया है, जितने महाराज सारे के सारे अनुष्ठान किए हैं, जितना कृष्ण नाम स्मरण किया है, यदि उसका फल कुछ मिलता है तो मैं आज तेरे को देता हूँ, धन्य है महाराज। भगवान ने कहा सुदामा जी अब आप लेट जाइए, तो सुदामा जी को लिटाया। अब बगल में पोटली बंधी हुई है चावल की, सुदामा जी छुपा रहे, सकुचित है ना, इतना बड़ा वैभव देख करके थोड़े से वैभव, महाराज आड़ोड़म प्रभु वैभव संप्रचाह, बड़े बड़े वैभव को देख करके छोटे से तिनके की वैभव ऐसे है जैसे महाराज सूर्य को दीपक दिखाना, इस कारण से। लेकिन भगवान ने कहा चल सुदामा मैं तेरे थोड़े हाथ पैर दबा दू, सुदामा जी को लिटाया। अब सुदामा जी सकुचा रहे हैं, बगल में महाराज पोटली है तो बगल में दबा करके इस सरके हैं, तो सुदामा जी को भगवान ने कहा अरे इस तरफ सरक, अब सरक नहीं रहे हैं, बगल में पोटली है। श्री कृष्ण की नजर गई, बोला सुदामा जी ये क्या है? उन्होंने कहा लाला कुछ नहीं है। अच्छा मैं तभी सोचूं भाभी ने मेरे लिए तो कुछ भेजा होगा भैया। कहा लाला तेरे खाने योग्य नहीं है। कहा छोड़ दे, महाराज कृष्ण पोटली को इधर से खींच रहे हैं, सुदामा जी इधर से खींच रहे हैं, पोटली फट गई है महाराज, और भगवान कृष्ण आरोप रहे हैं एक एक मुट्ठी में तीनों के लोग, सुदामा के नाम ही प्रभु ही कियो है, पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने तो स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूजी मुट्ठी जो खाई हरि ने पृथ्वी का प्रभु दान किया है, तीजी मुट्ठी में खाने लगे जो वैकुंठ जो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना घर भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना घर भी
दान में मेरा कैसा दानी मेरा पिया। पहली मुट्ठी में भारत स्वर्ग को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी के दिव्य लोगों को दे रहे हैं, और तीसरी मुट्ठी में जब वैकुंठ को देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया है। प्रभु अब मैं कहां रहूंगी, अब मैं आप कहां रहेंगे? तो भगवान ने कहा है, तो भगवान ने कहा इशारे में, भैया ब्राह्मणों के लिए ऐसे मत कर, क्योंकि तू भूल रही है एक ब्राह्मण ही वो तेरी पत्री लेकर के विवाह का प्रस्ताव मेरे हाथ में दिया था। यदि ब्राह्मण की कृपा ना होती तो महाराज ना तू और मैं कभी गठबंधन में नहीं बंधते। तो महाराज ब्राह्मण ब्राह्मण है, महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण की कीर्ति को कोई क्या बखान कर सकेगा। इस कारण से भैया कहा सुदामा जी ने, दिव्य सुदामा जी का महाराज आगे आगे जब करा है तो सुदामा जी को प्यार से भगवान ने कुछ दिन रखा है, और फिर सुदामा जी ने कहा है लाला बहुत दिन हो गए हैं मुझको जाने दे। सुदामा जी गए हैं, जैसे ही गए हैं महाराज, जो सुदामा जी का टूटा फूटा घर था वो महाराज साक्षात वैकुंठ को भी ऐसा लज्जित कर दे, ऐसा जिसमें स्वर्ग को लज्जित कर दे, ऐसा वैभवशी कृष्ण दिया है। महाराज जैसे ही सुदामा जी गए अब पहचानना भूल गए कि कौन सी नगरी में आ गया, पत्नी को भूल गए, अरे तू कौन आ गई, इतनी सुंदर होकर के साक्षात लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया है उनका। तो सुशीला जी ने चरण पखारते हुए कहा मैं आपकी पत्नी ही हूँ। तो सारी की सारी घटना बताई। इस कारण से कहा ये क्या किया भगवान ने, मेरे भजन का ये मोल दिया, ये नश्वर सा, ये सारा नश्वर वैभव मुझे मोल दिया। इतनी देर में साक्षात रथक पाणी होते हुए श्री गोविंद वहां पर प्रकट हो गए। सुदामा तू चिंता मत कर, तुझे माया व्यापेगी नहीं, ये मेरा प्रसाद है, तू चिंता मत कर, तेरे पे दिव्य कृपा ही कृपा होगी। इस कारण से महाराज सुदामा जी पर भगवान ने अपरंपार मंगल ही मंगल किया है। ये दिव्य छोटा सा सुदामा चरित्र महाराज, कई लाइनें तो मैं भूल भाल गया, इस कारण से बस जो बोलता गया बोलता गया, गुरुदेव की कृपा से बोलता गया। इसी सभी शब्दों के साथ वांछा कल्प कृपा जय जय श्री हरे कृष्णा। अभी कृष्ण रुक्मिणी की होगी। अभी भागवत का जो एकादश स्कंध है, कभी ये भगवत प्राप्ति का उपाय किया है। हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनी, नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो, कुछ लो और कुछ दो, क्या ले किया और दे किया, बोले जितने हमारी गंदी चीज उसको सब दे जाओ, और लो क्या बल भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम को अपना साथ में ले जाओ। बोले 4 चीज को हमें छोड़ देनी चाहिए जिसमें कली का निवास है। बोले 4 चीज क्या है, बोले दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा। ये 4 चीजों में कली का निवास। पहला नंबर क्या, बोले जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा देते हैं मैं धर्मराज हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मित्र मेरे कितना सर्वनाश हो गया, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में अपना पत्नी की वस्त्र हरण देखना पड़ा। इसलिए खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाइयो। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं। दूसरा नंबर है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका, ये जितने इसको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नशा तो जीवन में एक ही नशा हो, भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति की ही एक नशा होनी चाहिए। इसलिए विशेष करके ये जो शराब है ये शराब को नहीं लेनी चाहिए। पहले सुनते हैं ना जो शराब लेते हैं उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, 3। क्या क्या, पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा नंबर घर में चोरी नहीं होगी, तीसरे नंबर में कुत्ते उनके दोस्त बनेंगे। मतलब क्या, बूढ़ा कब होगा, कुछ घर में जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बूढ़ा कहाँ से होगा। दूसरा लाभ है घर में चोरी नहीं होगी, चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो पहले सब बेच बाच करके गहना पहना पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ कुत्ते उनकी दोस्त बनेंगे, पता नहीं कब पी पा करके गिरा रहेगा, कुत्ता आकर के मुंह में पेशाब कर जाएगा,
इसलिए खबरदार ये सब चीजों को हाथ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अभी ऐसे युग आ गया, ऐसे युग अभी आ गया, अभी जैसे बच्चे का बर्थडे शादी, अगर लोगों को शराब मत पिलाओ ना, अगर मांस मत खिलाओ, बोले ये कौन सा शादी तुमने करवाया जिसमें पिलाया नहीं और जिसमें तुमने मांस नहीं खिलाया। देखो संत लोगों का कहना है जिस शादी में बा जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जानवर को तुमने हिंसा किया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? संतों का कहना है अगर उसको 100 साल जिंदा रहने का था ना, उसी दिन वो 50 साल में उतर आएगा, क्योंकि जिसके उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म करा रहे हो। इसलिए कभी भी ये शादी विवाह में उल्टा पुल्टा चीजों को नहीं व्यवहार नहीं करनी चाहिए, भले ही कोई नहीं आए क्या हो गया। इसलिए भगवान को भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ और सभी को भगवान की प्रसाद दो सभी को। इसलिए दुतम पानम बोले स्त्रियम, स्त्रियम मतलब है स्त्रियों को ऊपर में ये कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है? कहते जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादीशुदा करके अपना धर्म पत्नी को साथ में रह करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ निभाओ, बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके घूमते हो नहीं, इसको शास्त्र एकदम निषेध किया इस सब चीजों को। इसलिए यहाँ धर्म का जो तीसरा चरण पवित्र यह नष्ट हो जाता है। जो चौथा है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये जो प्याज लहसुन है ये गैया का मांस से और गैया का हड्डी से बना, और पहले श्रवण कर रहे थे भगवान जब राक्षस को वध किए उसका मांस और हड्डी से ये प्याज लहसुन बना। अभी नवरात्रि आएगी, आएगी ना, शुरू हो गए पहला दिन ही, इसलिए 9 दिन तक देखना घर में कोई प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं। कारण क्या है? ये माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन तक प्रसन्न करो, उसको बाद में 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? इसलिए माता जी को जो वस्तु पसंद नहीं वो चीज को हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस 4 चीज को छोड़नी चाहिए और 4 चीज को अपना साथ में जोड़ो। बोले 4 चीज को क्या जोड़ेंगे? बोले पहला नंबर है भागवत का जो सार है ये भगवान का नाम। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो भगवान का नाम से प्रारंभ करते हैं, और जब भागवत को विश्राम देते हैं भगवान का नाम से ही विश्राम देते हैं। मेरे पीछे पीछे ये श्लोक को आप दोहराओ क्योंकि ये भागवत का अंतिम श्लोक है, इसको दोहराने पर आपको ये पूरी भागवत कथा सुनने का फल आपको मिल जाएगा। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, 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 सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। इसका मतलब है भगवान का नाम संकीर्तन से हमारे सारे पाप सारे दुख कष्ट प्रभु का नाम से ही दूर होगा, और जीवन में परम शांति केवल प्रभु का नाम से ही परम शांति जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए इसका तात्पर्य जब भागवत अगर हमने सुन करके अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, समझना तुम्हारी भागवत सुनना सार्थकता हो गई। 7 दिन तक आए बैठे और भगवान का नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं हुई, भागवत सुनने का फल आपको नहीं मिला है, भागवत सुनने का फल नहीं मिला है। जैसे हमने कहा भैया सुबह में 1 गिलास पानी दो, लेकिन मैंने कहा सुन लिया, बोला सुना तो है लेकिन उसने मेरे को पानी नहीं दिया, ये सुनना को सुनना बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। इसलिए तभी सुनना है जब भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हुई, क्योंकि अंतिम समय में जब ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही तो बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलेंगे ना।
बेटा जितने प्रभु का नाम जप किया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ की झूठे में बिताए एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजे तक जाएगा, परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई भी तुम्हारे साथ में चलने वाले नहीं। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान की नाम जप करो, नहा धो करके सारे काम करने से पहले माला लेकर के थोड़ी समय प्रभु की हरि नाम करो। जो चीज जाएगा तुम्हारे साथ में अगर उसको नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं जाएगा उसको पीछे दिन भर लगे हुए। हमारे गुरु जी कहते थे भैया एक व्यक्ति को बोले थोड़ा हरि नाम करो, नहीं बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। गुरुदेव कहते थे बच्चे के लिए ज़्यादा पैसा मत कमा करके रखो, वो हो ना हर होगा तो कमा ही लेगा। अगर तुम उसके लिए ज़्यादा पैसा कमाएगा ना, वो जुआ शराब पी करके मांस खा कर सब मिट्टी में मिला देगा। ये बड़े गुरु जी कहते थे हैं। इसलिए अगर वो नालायक बनेगा सब जितना कमा करके जा रहे हो सारे मिट्टी में मिला देगा। इसलिए ऐसे धन को कमाओ जो इसी जीवन में तेरे साथ और अगली जीवन में पूरा के पूरा तुम आपको ब्याज समेत मिलेगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे फूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाल। ये ऐसे के धन। इसलिए सर्वप्रथम हमारी कर्तव्य है, गुरु जी कहते थे सौ काम छोड़ करके अपना भोजन करो, हजार काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, और करोड़ों काम छोड़ करके अपना प्रभु का हरि नाम करो, क्योंकि तुम्हारे साथ में अंतिम समय में यही जाएगा। और जब जो चीज जाएगा उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हो, देखो आप बुरा मत मानो। गुरु जी कहते थे जैसे मानो जिंदगी भर पैसा कमाया, 1 करोड़ रुपया यहाँ हम छोड़ कर गए, 1 करोड़ रुपया तुमने जगत में छोड़ कर गए, तुमने जो छोड़ कर गए 1 करोड़ रुपया, इतना जो समय उसमें बिताए वो तुम्हारी बर्बाद हुआ कि नहीं? तुमने जो 1 करोड़ रुपया छोड़ कर गए इसके लिए जो समय तुमने बिताए, छोड़ कर तुमको जाना पड़ा है ना, छोड़ कर तो तुमने गए, तो इसके लिए जो समय तुमने बर्बाद किया वो बेकार गया कि नहीं तुम्हारे, क्योंकि कोई काम में तुम्हारे नहीं आया। अरे ऐसे काम करो जो तुम्हारे साथ में जाएगा। बोले नहीं बच्चों के लिए कमा करके रखो, बोले नहीं, मैंने पहले सुनाया था ना एक जोगी गया स्वर्ग में, देखा एक व्यक्ति रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अफसर यहाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ बैठ कर रो रहा था। बोले भैया क्यों रो रहे हो, बोले मैंने बच्चों के लिए तो पैसा कमा करके आ गया, लेकिन जो पैसा हमने कमाया वो बच्चे उसी पैसे से शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसका कर्म का फल मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। क्यों, पैसा मैंने कमा करके आया हूँ, मेरी पैसा से ये बुरे काम कर रहे हैं, मतलब समय भी बर्बाद किया नरक भी होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके करोड़ों काम को पीछे रखो जिसके लिए तुम्हें ये मानव शरीर मिला है 84 लाख जोनि के बाद में आए थे। क्यों, गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को, भजन के लिए आए, घर गृहस्थी के लिए नहीं आए। ये मानव शरीर केवल ब्रह्म तत्व को जानने के लिए मानव शरीर है। इसलिए जिस काम के लिए आए अगर ये काम को अगर परिपूर्ण रूप करके गए तो समझो तुम्हारी जीवन धन्य हो गया तुम्हारी जीवन। इसलिए भागवत को अगर मंथन करो तो इसमें मक्खन क्या निकलेगा, भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम अगर हमने कर लिया समझो जीवन में तुमने सब कुछ कर लिया है। देखो एक समय कोई एक शरीर को अर्थी पर ले जा रहे थे, जब अर्थी पर ले जा रहे थे बोल रहे थे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलगत है। एक छोटी छोटा कोई बच्चा था, उसको पिताजी को बोले पिताजी ये सब क्या बोल रहे हैं, बोले ये राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले पिताजी ये सबके सब तो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर एक आदमी लेटा हुआ ये क्यों नहीं बोल रहा है, ये ऊपर जो एक आदमी लेटा हुआ ये क्यों नहीं ध्यान देख रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है। बोले वो मरा हुआ ना इसलिए नहीं बोल रहा है। बोले पिताजी इसका मतलब जो मरा हुआ वही केवल नहीं बोलता है प्रभु का नाम, तो वो मरा हुआ ना इसलिए नहीं बोल रहा है, इसका मतलब जो नहीं बोलते मरे व्यक्ति है।
इसलिए भागवत में बताया जीवन सबो भागवतांग रेणु न जात मर्त अभिलवित जस्तु। जीवन सबो जिंदा अवस्था में भी वो मरा हुआ है, कौन है बोले जिसका जीवा में भगवान की नाम नहीं उच्चारण होता है। अगर हम मानते हैं हम जिंदे हैं फिर क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की। हाँ कभी ये नाम निष्ठा होनी चाहिए, बोले दूसरा निष्ठा किया बोले एकादशी निष्ठा होनी चाहिए। कौन सा एकादशी जरूर करो, कोई माता तो सोम, कोई मंगल, कोई बुध, बृहस्पति। भैया जगत में 33 करोड़ देवता, कितने को खुश करोगे? एक को मनाओ तो दूसरा मुंह खुलाकर बैठ जाएगा। लेकिन ये एकादशी व्रत भगवान राम कृष्ण नारायण का व्रत है। जब भगवान के लिए ये व्रत रखते हैं कत जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब तुम्हारी पर में भगवान खुश हो गए समझना बस सब देवादेवी खुश हो गए तुम्हारी पर, नहीं तो कितने को मनाओगे? आज मनाओ दूसरे मुंह फुलाकर दूसरा बैठा हुआ होगा हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं सब खुश हो जाते हैं। क्यों? भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, देखो जितना इंद्र चंद्र वायु वरुण शंकर दुर्गा अर्जुन मेरे अंदर में। जब भगवान खुश हो जाते हैं ये 33 करोड़ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये एकादशी जो व्रत है ये भगवान कृष्ण विष्णु नारायण राम इनका व्रत है ये एकादशी व्रत। इसलिए जो एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु मतलब जो कुछ मांगो। पहले सुना ना नंद बाबा का पहले संतान था नहीं, उनने सारे व्रत कर चुके थे लेकिन जब पुत्रदा एकादशी व्रत की ठाकुर स्वयं इनके बेटा बन करके आए, नंद के लाला बन करके आए। इसलिए एक व्रत का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब जो 15 दिन के बाद में एक एक व्रत आती हैं, 15 दिन के बाद में एक एक एकादशी व्रत आती हैं, एक का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर वो व्रत को कोई करेगा तो घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, अगर उसको कोई करेगा तो उसका जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, अगर वो एकादशी कोई करेगा तो जगत में तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जीव ये भव संसार से जीव की मुक्ति मिल जाएगी। अब हर एकादशी को पढ़कर देखो, हर एकादशी का अलग अलग नाम है। मतलब एकादशी व्रत करके अब जो मांगोगे वही फल मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखियो, क्योंकि एकादशी दिन अर्न में गोहत्या ब्रह्महत्या नरहत्या भ्रूणहत्या ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्न में रहते हैं। इसलिए भागवत देखो कोई बार व्रत का नाम नहीं, केवल एक एकादशी कथा थी। कोई बोलेंगे इसको तो विधवा लोग करते हैं, सतवा थोड़ी करते हैं। भागवत पढ़कर देखो क्या मैया जसोदा विधवा थी? वो नहीं, रुक्मिणी सत्यभामा करती तो कि विधवा थी। रुक्मिणी सत्यभामा एकादशी करके कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया है, हैं? स्वयं राधा रानी एकादशी व्रत रखती हैं, हैं? इसलिए अम्बरीश महाराज पत्नी को साथ में मथुरा में 1 साल तक वहाँ एकादशी व्रत किया, जिसमें श्री दुर्वासा ऋषि आए थे। और जिसको भगवान की सुदर्शन चक्र, जो एकादशी व्रत करते हैं सुदर्शन चक्र उनको हर समय में रखा करते हैं, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कोई व्रत नहीं रखने का कोई जरूरत नहीं, केवल एक एकादशी व्रत रखोगे तुम्हारी सारे व्रत रखने का फल उसी में मिल जाएगा आपको। जैसे सोम, जैसे मंगल, कोई बृहस्पति, अलग अलग देवा के लिए, देवादेवी के लिए अगर इसको नहीं करोगे ना तुम्हारी कोई हानि नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करोगे तो तुम्हारी हानि है। क्योंकि एकादशी में अर्न में ये सारे पाप आश्रय करके रहते हैं। इसलिए क्या करना, एकादशी व्रत को जरूर करना। और जो तीसरा जो निष्ठा है ठाकुर जी का निष्ठा, मतलब है हर घर में
ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। लड्डू गोपाल हो, राधा कृष्ण हो, ठाकुर जी जरूर, क्योंकि घर का जो मालिक ठाकुर जी है, हम तो उनका सेवक है। आप जितने अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करोगे ना, तुम उतना अच्छे तरह से सज्जा जाओगे। जितने सुंदर ठाकुर, ठाकुर प्रसन्न हो तो आप भी प्रसन्न रहोगे। अगर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो ना, आप भी संसार में खुश नहीं हो सकते हो। ठाकुर इसलिए घर में, हर घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा घर घर में होनी चाहिए ठाकुर जी की, ठीक है ना। इसलिए घर में जरूर ठाकुर जी को, कभी कभी हम तो डग रूम बना देते हैं लेकिन गड रूम नहीं बनाते। कुत्ते के लिए तो घर बना देते हैं लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई स्थान नहीं, जिसने तुम्हें सब कुछ जिसने दिया, जिसका दुनिया है। इसलिए घर में लक्ष्मी तभी संतुष्ट होगी जब वो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी, किसका लक्ष्मी है, अगर वो लक्ष्मी नारायण की घर में सेवा में लग रही है, फिर तो घर में लक्ष्मी घर में शांति सुख देती है। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगती है, भले ही करोड़ रुपया तुम्हारी घर में आएगी, लेकिन वो लक्ष्मी घर में शांति नहीं देगी, सुख नहीं देगी। तरह तरह का बीमारी लगा देगी, लड़ाई लगा देगी, कलह लगा देगी, कोर्ट कचहरी लगा देगी, बाहर सारे पैसा उधर बहते हुए चले जाएगी। क्यों? लक्ष्मी तुम्हारी घर में असंतुष्ट है। क्यों? लक्ष्मी नारायण की। अब तुम सोच बैठी ये लक्ष्मी मेरी है, लक्ष्मी ठाकुर जी का ये लक्ष्मी है, इसलिए उनकी सेवा में लगेगा तो तभी ये लक्ष्मी घर में शांति सुख देती है। इसलिए घर में जो कुछ खाना बने, पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान की प्रसाद बनेगा। कहते प्रसाद है सर्व दुखानाम, प्रसाद ग्रहण करने से घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, ठीक है ना। और जो चौथा जो निष्ठा है, कहते सभी की गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, कंठी तिलक माला। पहले बताया था ना, जैसे आप विदेश से जाओगे, आपके पास में तीन चीज की जरूरत है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रसिया, यहाँ से 2-4 घंटा का रास्ता है, लेकिन तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। क्या क्या? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर टिकट। ये तीन चीज होना, साधारण जगत में दूसरे देश में जा सकते हो, इसलिए उसी तरह वैकुंठ जगत में भगवान को पास में जाना तो हमारे पास में भी तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? पहला नंबर पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी। अगर गले में तुलसी कंठी नहीं होगी, इसलिए कहते ना, जब महाराज दूतों को बोले जो भक्ति नहीं करते उनको पकड़ करके लाना, बोले पता कैसे चलेगा? बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। बोले जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर की कुत्ते, और फालतू कुत्ते बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए अगर हम भगवान की पालतू बनाना चाहते हैं, क्या अगर गला में पट्टा लगाओ किसके, इसलिए कबीर दास कहते हैं हम राम की कुत्ते हम हैं, किसके कुत्ते हैं, हम राम की कुत्ते, भगवान की कुत्ते हम हैं। इसलिए देखना अगर ज़्यादा कहीं कुत्ता हो जाता है ना, आदेश देते गवर्नमेंट तरफ से सब मार दो, लेकिन जिसको गले में पट्टा बंधा रहेगा ना उसको भी नहीं मारेगा, किसको मारेंगे बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, हैं। अगर भूल से भी पट्टा किसी कुत्ते को लग जाए ना, केस हो जाता है इसके ऊपर में। इसलिए गले में क्या हो, तुलसी की कंठी, तुलसी कंठी होनी चाहिए गले में। इसलिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है तिलक होनी चाहिए, ये गोपियों की चरण धूलि है, हैं। आप लोग तो हिंदू है, देखना जब घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, बगैर तिलक के तुम्हारी पूजा नहीं करवाएगा, क्योंकि वो पूजा निष्फल है। इसलिए देखो आप कृष्ण को देखो तिलक, राम को देखो तिलक, नारायण को देखो तिलक, भगवान भी स्वयं अपना तिलक धारण करते हैं। इसलिए पुराण का श्लोक आया है, जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उनका शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, ये सारे तीर्थ उनके शरीर में रहते हैं, और गीता, सावित्री हैं, ये सीता, पार्वती उसके शरीर में निवास रहते हैं। जो केवल तुम्हारी तिलक दर्शन कर लिया, उसको साक्षात बांके बिहारी दर्शन हो जाता है, इतने महिमा ये तिलक की। इसलिए भगवान क्यों, जगन्नाथ जी को देखा तिलक है ना, देखो राम को देखो इतने बड़े तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, गणेश जी को देखा तिलक। पहले हर हिंदू ये तिलक, कंठी, माला, चोटी ये सब रखा करते थे, लेकिन मुस्लिम भाई लोग से टोपी, दाढ़ी रखते हैं,
ये हिंदुओं का संलक्षण था, जनेऊ धारण करना, चोटी चोटी रखना, गले में कंठी तिलक लगाना, ये हमारे सनातन धर्म का रीति रिवाज है। लेकिन ये धीरे 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 अंग्रेजी सभ्यता आकर के धीरे 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 हमारी संस्कृति को चौपट कर रहा है, हैं? चौपट कर रहा है हमारी संस्कृति को। इसलिए क्या ललाट में तिलक हो, गला में कंठी हो और हाथ में ये भगवान का माला, ये क्या बोले टिकट, ये टिकट है। अगर ये टिकट है ना, बस तुमको कोई रोक नहीं सकते भगवान का धाम से, सीधा ठाकुर जी को पास में जाओगे, ठीक है। इसलिए चार चीजों को जीवन में उतारो और चार चीजों को जीवन से त्याग दो और क्या करो, भगवान की भक्ति और भगवान के भजन करो। अभी कृष्ण रुक्मिणी तैयारी बना प्रभु जी, तैयारी है, ठीक है, उनके लिए दो माला तैयारी कर देना, ठीक है। और देखो आज तक कथा का विश्राम हो जाएगा, ध्यान देकर सुनो दो मिनट, कथा का अभी विश्राम हो जाएगा, कथा कभी समाप्त नहीं होता है। जब ये कथा विश्राम हो गई तब वहाँ पर परीक्षित महाराज का माँ भी बैठी हुई थी उत्तरा, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी ये सात सात दिन तक क्या बोले, मेरे पल्ले में कुछ पढ़ो ही ना, स्त्री जाति बुद्धि कम है, इसलिए मेरे लायक कुछ बात बता दे, जैसे थोड़ी समय में मैं समझ जाऊँ वो बताना क्या चाह रहे थे। तब उन्होंने थोड़ी समय में जो कथा सुनाई उसका नाम श्री बृहद भागवत अमृतम। इसलिए कल से हम लोग भागवत कथा जैसे 10 बजे तक होता है ऐसे नहीं, कल से हम लोग ये कथा को जैसे 5:30 से लेकर के 6 बजे तक आरती होगी, 6 से 7 बजे तक शाम को हम लोग एक एक घंटा रोज, मैं जब तक हूँ यहाँ पर कार्तिक महीना से पहले तक रोज उसका सार कथा कितने से 6 से लेकर के 7 बजे तक, उसके बाद में आप लोगों को छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग घर में अपना घर में काम काज करोगे, यहाँ तो प्रसाद नहीं मिलेगा, आप भूखे ना भजन होए गोपाला, इसलिए घर में जा करके फिर रसोई भूसी बनाना पड़ेगा। एकदम 7 बजे से पहले हम कथा को विश्राम दे देंगे, फिर आप लोग अपना घर में जा करके रसोई अपना काम काज करना, ठीक है ना। इसलिए कल हम देखेंगे वास्तव श्रोता कौन है, इसलिए कौन कौन लोग कल आते हैं कल से पता चलेगा, इसलिए कल से हम देखेंगे कौन कौन आते हैं, क्योंकि थोड़ी समय में भागवत का जो सार है, हैं, अपना जीवन में क्या चीज़ को उतारनी चाहिए वो चीज़ को कल से हम लोग श्रवण करेंगे। और घर में सुना, घर में जो कुछ काम करो ध्यान देख बात मत करो, अपना घर को भगवान का मंदिर मानो, क्या मानो, भगवान का मंदिर अपना घर है। घर में जब झाड़ू लगाओ ये समझो झाड़ू कहाँ लगा रहे हैं, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बोले क्यों लगा रहे हो झाड़ू, बोले भगवान अगर कभी घर में घूमेंगे अगर धूला पड़ा रहेगा तो ठाकुर का चरण में लग नहीं जाए। रसोई बना रहे हो, क्यों रसोई बना रहे हो, भगवान की प्रसाद भोग लगेगा इसलिए रसोई बना रहे हैं। अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ, स्नान करो, बोले क्यों, बोले ये गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, हैं, शरीर पवित्र रहेगा तभी तो हम सेवा करेंगे। पैसा क्यों कमा रहे हो, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी की कृपा के बगैर ठाकुर को सेवा नहीं होगा, इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। इसलिए हर चीज को अगर भगवान को साथ में जोड़ देंगे तो वह चीज की सार्थकता हो जाएगा। इसलिए किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं, किसको हमें छोड़ना नहीं, क्यों, दुनिया किसका है, भगवान की, किसने दुनिया बनाया, ठाकुर जी दुनिया बनाया, किसी चीज को हमें नहीं छोड़ना है, हर चीज को ठाकुर के साथ में जोड़ना है, ठीक है ना। बात जोड़ लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की, बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। और एक बात है, आज सभी के लिए प्रसाद है ना, आज सभी के लिए फूल प्रसाद है, आप लोग कथा के बाद में सब प्रसाद पा करके जाइयो। इसलिए देखो ये भागवत कथा में कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से ये भागवत में सेवा की है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा की इतने महिमा, अगर कहीं भागवत कथा हो, अगर इतनी बात कोई बोल दे भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी सी बात बोल देना बस, उसी समय में ही वो व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान को पास में चले जाते हैं, ठाकुर को पास में चले जाता है।
कहते केवल सुनने की इच्छा मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठाकुर को निकलने का रास्ता नहीं मिलती। इसलिए ये भागवत कथा में आप लोगों ने कथा सुनने के लिए आए हैं, किसने भंडारा दिया, प्रसाद दिया, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, आप लोगों ने भागवत की सेवा की। इसलिए हम श्री ठाकुर जी से और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप सबको ऊपर में ठाकुर जी की आशीर्वाद हो, आप लोग घर में शांति सुख में, आप लोग घर में शांति सुख में रहो और भगवान की खूब भजन करो, ठीक है। प्रभु जी कृष्ण रुक्मिणी के ले आओ ठाकुर जी को, मित्तल प्रभु जी, हाँ देखो थोड़ी सी दो मिनट कथा सुन लो, अभी कृष्ण रुक्मिणी आ रहे हैं। कहते श्री कि श्री भीष्मक राजा के पांच बेटे और सबसे जो छोटी बेटी साक्षात माँ लक्ष्मी, ये बचपन से नारद जी इनको सुंदर सुंदर ठाकुर जी कथा सुनाया करते थे। अभी कृष्ण कथा सुनते सुनते इनका जो चित्त है और ठाकुर जी में एकदम रम गया। वो कहती हैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश को ही मैं शादी करूंगी, और किसी को मैं शादी करूंगी नहीं। लेकिन उनका जो बड़े भैया रुक्मी था, बोले क्या कृष्ण से शादी एक ग्वाला से नहीं, हम तो किसी राजा महाराज से शादी कराएंगे। बोले किससे? बोले श्री, हाँ कहते श्री शिशुपाल से शादी कराएंगे। इतने में रुक्मिणी को जो ये बात पता चला, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाए, एक सुंदर पत्र लिखे, अद्भुत पत्र है, हैं? कहते कृष्ण रुक्मिणी को भी नहीं देखे, रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखे, लेकिन केवल ये पत्र को पढ़ करके, केवल पत्र सुन करके रुक्मिणी संपूर्ण रूप में कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए तैयारी हो गई, क्योंकि वो पत्र में इतने सुंदर भाव को उन्होंने अभिव्यक्ति किया था। पत्र में किया था, बोले हे भुवन सुंदर भगवान कृष्ण, आपसे सुंदर जगत में कोई नहीं। अगर कोई पति बन सकता है, प मतलब पालन करता, ती मतलब जो त्राण करते हैं, जो संसार से पालन और जो संसार से हमें त्राण करते हैं, इसलिए प्रभु केवल जगत में पुरुष आप ही हो, आप तो सिंह हो, आप सिंह और जगत में जितने राजा सब के सब सियार। अगर ये सिंह का भाग को कोई सियार अगर ले गया तो क्या होगा? कभी सिंह का ही बदनामी। जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक ये शरीर छोड़ते रहूंगी, लेकिन ये सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। इतने सुंदर भाव का अभिव्यक्ति की भगवान सुन करके पत्र को भगवान लेने के लिए ठाकुर जी आ गए। उन्होंने ये भी लिखा, बोले प्रभु मेरे को उधार कैसे करोगे? बोले हमारी एक रीति रिवाज है, बेटी शादी से पहले अपना राजमहल से बाहर जाती है देवी पूजा के लिए, उसी समय में अपना पराक्रम को दिखा कर मेरे को हरण करना। डिटेल से रूप में उन्होंने सब कुछ लिख दी, और इतने में कृष्ण उनको उद्धार करने के लिए आए। शिशुपाल को पता चला ये रुक्मिणी बचपन से कृष्ण को प्रेम करती थी और ये चाहती थी मैं कृष्ण को ही शादी करे, उसको पिता भी यही चाहते थे, लेकिन इसका बड़ा भाई जो रुक्मी था वो जोर जबरदस्ती मेरे से शादी करा रहा है। लेकिन उसको पता कृष्ण का क्या पराक्रम, वो पहले से ही संन्यास सामंत को लेकर के आया, चारी तरफ में घेर गए, कृष्ण जैसे बीच में आ नहीं सके। जब उसने अपना घर से निकली, निकल करके देवी मंदिर में गई, शंकर पार्वती प्रकट हो करके वेद मंत्र से उन्होंने उनकी शादी करा दी कृष्ण रुक्मिणी को। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला, जब रुक्मिणी वहां से निकली, अपना घूंघट को निकाली, मेरे प्रियतम कहाँ पर, इतने सुंदरी रुक्मिणी थी जिनके रूप देख करके जितने राजन वर्ग सब वहीं बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में कृष्ण प्रकट होते हैं और रुक्मिणी को हाथ पकड़े रथ में बैठे, रुक्मिणी अपना सखियों को बोले राम राम मैं तो जा रही हूँ, हाँ मैं तो जा रही हूँ, बोल करके कृष्ण रुक्मिणी को वहाँ से हरण कर लिया। जब सबका होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ? बोले जिसका था उसने ले गया। बोले मारो मारो पीटो पीटो। इतने में दाऊ भैया आ गए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तू लेकर के जा, इनको मैं निपट लेता हूँ। अपना हाल मुसल को निकाले और उन्होंने मार मार कर सबको वहां से भगा दिए, और भगा करके कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गए कहाँ? द्वारका में, और बड़ी धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई।
ले आओ प्रभु जी, वो बच्चों को ले आओ, आ जाओ हरे कृष्णा, प्रभु जी उनका ले आओ, आ जाओ बच्चों। बोला श्री रुक्मणी रामायण भगवान की जय, जय श्री राम। सबको माला वाला बनाएंगे आप पास नवीन प्रभु, दो चार लोगों को प्रभु की तरफ प्रभु हरि बोल। मैं हिंदी थोड़ी सी, ये नवीन प्रभु आप कुछ करना चाह रहे थे कुछ, उनको माइक दे दो। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, इनके हाथ में माला कहाँ है? हाँ दो माला दो। सुमित प्रभु माला दो, दोनों माला दो, सुमित दोनों दोनों को पहना। सुमित उधर देखा रुक्मणी, पहले तुम पहना। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। हरि अनंता हरि कथा अनंता, आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का विराम दिवस है और आप सबके सहयोग से ये आयोजन बहुत सुंदर सफल हुआ, इसलिए जोरदार तालियां और हरि बोल। हरि आप लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य और धन्यवाद कि आप बड़े ही सुंदर तरीके से अनुशासनपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठ करके पूरे सात दिन महाराज जी को श्रवण किया, वैष्णव को श्रवण किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम आप सबका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने तन मन धन से इस श्रीमद् भागवत कथा को सुंदर तरीके से सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान किया, जिसमें सर्वप्रथम श्री कामता प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो महाराज श्री के चरण कमलों में आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र मित्तल जी से निवेदन करूंगा आप जल्दी आए और आप महाराज श्री से आशीर्वाद दें, जब तक आपका प्रसाद जी आएंगे तब तक आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। श्री प्रेम उच्छल जी प्रेमदास जी क्षमा चाहता हूँ, आप भी चलिए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। श्री लड्डू गोपाल जी मदन मोहन जी जोरदार तालियां। हरि बोल। सब बजाते हैं। श्री बलराम दास जी कृपा करके पधारें, आप सबने पग पग पर इस सुंदर आयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से अपना योगदान दिया, इसी प्रकार से आप समस्त महोत्सवों को मनाते रहिए, यही प्रेरणा आपको मिलती रहे गुरुदेव के श्री चरण कमलों से। श्री सक्सेना प्रभु जी कृपा करके आप भी पधारें, श्री प्रमोद मित्तल जी, श्री सुभाष कुछल जी कृपा करके जल्दी पधारें, आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। रेखा दीदी कृपा करके पधारें, आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सब तालियां बजाते रहे, हरि बोल बोलते रहे, हरि बोल। ये महोत्सव है जो स्वर्ग में मिलता, यहाँ आपको मिल रहा है श्री गुरुदेव की वजह से, श्री गुरुदेव की। श्री लविंदर जी और उनके पिता श्री कृपा करके आशीर्वाद ग्रहण करें महाराज श्री से। बंधा हुआ है। श्री मिथिलेश तिवारी जी और दीदी दोनों कृपा करके महाराज श्री के चरणों में अपना शीश झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कामता प्रसाद जी कृपा करके आराम से आए
वृद्धावस्था को देखते हुए श्री राजन जी, लता दीदी कृपा करके आप पधारें। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि फिर अभी और भी दो तीन प्रोग्राम है। श्री सक्सेना जी और दीदी आप भी, मीनाक्षी दीदी कृपा करके पधारे, राखी दीदी आप भी कृपा करके पधारे। जल्दी जल्दी श्री रामपाल जी आप भी पधारे। श्री मुकेश मित्तल जी कृपा करके पधारे। थोड़ा जल्दी करें। श्री अरुण प्रभु जी जिन्होंने सुंदर भंडारा प्रस्तुत करते हैं हर रोज, इनके जोरदार तालियां। हरी बोल। पसर गए हैं, पसर क्यों गए? श्री सुनील वर्मा जी कृपा करके आप भी पधारे। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, सब तालियां बजाते रहे, तालियों की गुणनाथ जो है खत्म नहीं होने पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री डॉक्टर सुधीर कुमार जी कृपा करके आए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हरी बोल। तालियां कही थी मैंने पहले। और आज के भंडारे में विशेष योगदान जो दिया श्रीमती अनीता दीदी और शर्मा जी ने, आप भी पधारे और महाराज जी से सुंदर आशीष ग्रहण करें। श्री राजकुमार जी है, डॉक्टर राजकुमार जी श्री राजन श्री सुशील महेश्वरी जी और माता जी और साथ में सुमित और सौरभ जी दोनों आए और दीदी भी दोनों आए और महर्षि से आशीष ग्रहण करें। श्री माधव दास जी कृपा करके आप भी पधारें। वैसे तो गुरुदेव का आशीष सब पर ही है और मैं कुछ लोगों के शायद नाम भूल जाऊं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु सबका गुरुदेव पर इस प्रकार से आशीष है जिस प्रकार से सूर्य देवता प्रकट होकर अपनी रश्मियां प्रकट करते हैं। श्री अमित रोहिला जी आप भी आए, मास्टर जी श्री पाल जी आप भी कृपा करके पधारे, महाराज जी से आशीष ग्रहण करें। और माता जी हमारी मंजू माता जी वो भी कृपा करके आए तो गोपाल जी के साथ वो भी आशीष ग्रहण करें। थोड़ा महाराष्ट्र से दूरी बनाए रखें।
बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है, दो गज की दूरी बहुत है जरूरी। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ब्रज से आए हुए श्री डोरीलाल प्रभु जी का स्वागत करें। जय हो, हरि बोल। दामोदर प्रभु जी की, संजीत प्रभु जी और जय हो जोरदार तालियां, हरि बोल। सुंदर भजन बजाकर भजन में इन्होंने जो है आनंदित किया। श्री श्रीकांत प्रभु जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये पैर बजाते हैं, आजकल करताल बजा रहे हैं। और श्री चिराग प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने सुंदर सुंदर कथाओं से सबको भक्ति में किया। श्री जनार्दन प्रभु और बाबा जी नहीं, ये हमारे बाबा जी हैं, इनको देखो लंगूर ने काटा तो भी देखो भक्ति में है, इतना कष्ट में भी यहाँ पर आनंदित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जोरदार तालियां, हरि बोल। लंगूर वाले बाबा आ गए। और जनार्दन प्रभु जी थोड़ा जल्दी आए। जनार्दन, हरि बोल। अभी जो आप महाप्रभु यहाँ देख रहे हैं वो हमारे सुंदर मित्र जी ने बड़ी कृपा करके जो हमको बुलवाया है। और जो सिंहासन है ठाकुर जी का वो हमारे प्रेम और सबसे बड़ी जो कृपा हमारे गुरुदेव कर रहे हैं उनके जोरदार तालियां। श्री गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। शुभदेव की जय। अब असली व्यक्ति का नाम लेंगे, हरि बोल। रविंद्र प्रभु की जय। यहाँ पर भक्ति की धारा को वृंदावन से लेकर के यहाँ पर आए आप सब हमारे लिए हमने कोई प्रसाद नहीं बनाया, रात को दोपहर का सवेर नहीं मित्तल भक्त रोज सवेर ले आते सवेर सवेर और कुछ कुछ प्रभु लोग जो ले आते थे, फिर दोपहर में भी और शाम को भी। इतना माता जी का तो नाम मुझे नहीं जानता हूँ, इसलिए सब ठाकुर सबको जानते हैं, ठाकुर जी सबको ऊपर में ठाकुर जी की आशीर्वाद और यहाँ पर भक्त लोग तो याद नहीं, इसलिए ठाकुर जी सबका नाम जानते हैं। कुशाग्र प्रभु, हाँ, इसलिए उन्होंने बड़े नाचे और बड़ी सेवा की। जो रोज रोज हमारे ठाकुर का कहाँ गया, ये क्या नाम तुम्हारा? तरुण प्रभु जी गुरुदेव का नाम क्या है? मंदिर में रहता है क्या प्रभु जी? वृंदावन दास इन बच्चों ने महाराज मेरी बस से बना बड़ी सेवा जय हो। सुबह से और ये कहां गया? जनार्दन प्रभु है। जनार्दन कहां गया? जनार्दन महाराज बस में। जनार्दन प्रभु मेरी बहुत सेवा की महाराज, आ इधर आ जाना। बहुत अच्छा बालक है प्रभु जी। देखो ये जो प्रभु जी है ना, प्रभु जी ये अकेले हमारे जन बाबा से ये अकेले ये पूरा मंदिर को ये अकेले संभाल रहे हैं। हरि बोल। ठाकुर जी को पूजा करना, भोग लगाना, आरती उतारना, पूरा मंदिर को
साफ करते करते सोते सोते करके रोज रोज एक बजे से पहले तो सो नहीं पाते हैं, फिर सवेरे उठकर फिर आरती में गाना गाना, फिर उनका अर्चना पूजा करना। इसलिए मैं तो बीच में इतने परेशानी हो गया था जो सोच नहीं सकती, इतने परेशानी हो गया था क्योंकि इसको पहले जो जो आए हैं इतने परेशानी मेरे लिए खड़ी कर दिया। मैं तो मेरा हेड हेड ये पूरा मध्यमा खराब हो गया था, लेकिन ये जब से किसी ने आया है तब से ये ठाकुर को सेवा ये पिता माता की एक ही लड़का है और ये पढ़ाई करने के लिए वृंदावन आया था, इसलिए अब से पढ़ाई किया है। क्या पढ़ रहा था? बीकॉम पढ़ रहा था, एमकॉम। ये बच्चा एमकॉम कर रहा था, लेकिन ये एमकॉम छोड़ करके उसने भक्ति में सीता माता अकेला बच्चा सब छोड़ करके वो आए और यहाँ पर पूरा ठाकुर को सेवा को यही संभाल रहा है। इसी वजह से मैं थोड़ा निश्चित हूँ, नहीं तो मेरा तो इतने टेंशन हो गया था मंदिर को, यहाँ के मंदिर को सोच सोच करके अभी क्या होगा, कौन चलाएगा, क्या करेगा। इसलिए गुरु जी इनके ऊपर में आशीर्वाद करें, प्रभुपाद इनके ऊपर में। और एक निवेदन मेरा भी है कि जनार्दन प्रभु को सभी बड़ौत वासियों के लिए मेरा निवेदन है कि इस बच्चे को जितना दे सको उतना प्यार दीजिए। जैसे मैं आया मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर आके घूम जाए, ये क्योंकि इसका पूरा सारा दायित्व है काम छोटा बड़ा से इसको प्यार करिए, आपका बच्चा है, मैंने देखा इसको कीर्तन में आया। कीर्तन हरे कृष्ण बोलिए, रुक्मणी कृष्ण की जय जय राधे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे कैसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। Thank you.
Oh.
Thank you.
गुरुदेव महाराज।